अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन ये तोहफा है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने रमज़ान में बहुत मेहनत की है और यकीनन रोज़े रखे हैं, इबादतें की हैं। अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है और ये ईद काफ़ी मुनफरद भी है। वैसे तो दूसरा साल है कि हमने देखा है कि एक बहुत ही मुख्तलिफ नौईयत का रमज़ान और एक बहुत ही मुनफरद ईद हमारे सामने है। लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। अब हमें कुछ आदत भी हो गई है घर में रहने की, लॉकडाउन को झेलने की, उन रौनकों को मिस करने की और फिर नित नए तरीके निकालने की जिसके थ्रू हम अपने करीबी और अपने प्यारों को अपनी चाहत और मोहब्बत का एहसास दिला सकें। तो यकीनन आपके प्यारे आज आपसे दूर हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते, वो रौनकें हमारे इर्द गिर्द नहीं हैं। अगर आप ईटिंग आउट प्लान करते थे, बड़ी बड़ी दावतें अटेंड करते थे तो यकीनन आप उसको मिस कर रहे होंगे। और बच्चों के लिए दोहरी मुश्किल है क्योंकि राइट बिफोर ईद हमने देखा कि देयर वाज सो मच अनसर्टेनिटी। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, तो ईद का मज़ा उनके लिए काफ़ी किरकिरा हो गया। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि वी विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। हमारे सामने जैसी भी सिचुएशन हो, वी आर नोन फॉर आर रिजिलियंस एंड आर लव फॉर लाइफ। तो यकीनन अपने अपने तरीक़ों से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर घर में हैं तो क्या हुआ, आई एम श्योर जूम पार्टीज़ भी हो रही होंगी, लेकिन प्लीज़ एहतियात आपने करनी है। ये जो मुश्किल है इसमें हमने देखा कि एक चीज़ हमें सेलिब्रेट, वाकई ईद की सेलिब्रेशन तो है ही, लेकिन साथ में ये भी सेलिब्रेट करना बहुत अहम है कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी रेशो है वो यकीनन नीचे आया है। अभी भी हम देख सकते हैं कि लोग कोविड वैक्सीन को उस तरह नहीं लगवा रहे, उतनी तेज़ी से हमारे इनोकुलेशन ड्राइव आगे नहीं बढ़ी, लेकिन यकीनन उम्मीद यही है कि यू विल पे हीड टू दैट एज़ वेल। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, वैसे तो ख़वातीन ये एडमिट करने से हमेशा कतराती हैं, लेकिन इस वक्त आपके फ़ायदे की बात है। अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है 1166 पर रजिस्टर कीजिए और फौरी तौर पर आप कोविड की वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज साइन ऑफ फार्म। इसके अलावा जो साहिब हैसियत लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको यकीनन प्राइवेटली जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए। ये अब आपकी समझ बूझ पर छोड़ते हैं कि विच वैक्सीनेशन इज़ बेटर, लेकिन अहम बात यह है कि अगर आप ये खुद स्टेप लेते हैं तो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि आज का यानी आज न्यूज़ की जो हमारी ईद थीम है, इट इज़ ऑल अबाउट एहसास एंड कम्पैशन, यानी ये ईद एहसास है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे 30 दिन की जो हमारी मेहनत रही है उसमें ना सिर्फ हमने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है, माली मुश्किलात को देखा है, लॉकडाउन के अंदेशे और अनसर्टनिटी को फेस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने दूसरों के लिए अपने एहसास को उजागर भी किया है। हमें ये पता है कि जब भूख लगती है, जब इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है तो कैसा लगता है। और यकीनन ये हमारा बूट कैंप था, ये हमारी ट्रेनिंग थी, अब आगे इसी एहसास को लेके हमने चलना है। लेकिन जी हमने तमाम एसओपीज़ को फॉलो करते हुए अपने कुछ मेहमानों को दावत दी है जिनके साथ हम एक सेफ़ डिस्टेंस भी रखेंगे, लेकिन उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी और कुछ अहम बातें कि हर दफ़ा हम जब कहते हैं ना कि रमज़ान में कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला, इस रमज़ान में आपने क्या सीखा, ये आपका कैसा एक्सपीरियंस था। ख़ास तौर पर जो उलमाए इकराम हमारे साथ थे थ्रू आउट द मंथ, उनसे हम काफ़ी चीज़ों के बारे में रुजू करते रहे, लेकिन अब एक बड़ा मुझे लगता है ये जो दिन होता है ना ईद का, वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। अगेन फ्रॉम दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम स्टेप इन कर रहे होते हैं अपनी मटेरियल जिम्मेदारियों की तरफ और ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे होते हैं। सेलिब्रेशन का वक्त है तो यकीनन सेलिब्रेट करेंगे हमारे इन स्पेशल मेहमानों के साथ जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं। इनसे पूछेंगे इनका रमज़ान कैसा गुजरा और इनकी ईद कैसी गुजरी, और ये जो हमारे सामने एक सेमी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है जिसने लोगों को मजबूर कर दिया, यानी आपने चांद रात का जो रश था वो 23 और 22 रमज़ान को ही देख लिया, क्योंकि लोगों को अंदेशा था कि जी जुम्मतुल विदा के बाद तो लगता है कि बाज़ार खुले नहीं होंगे। बट नॉट टू वरी, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस भी थे, और देखना ये है कि हम में से कितने लोगों ने अपसाइकिल किया है अपनी पुरानी वार्डरोब को। कई लोग ये भी कह रहे थे कि सिद्रा जितने साल 2020 और 21 की शुरुआत में कपड़े बनाए हैं और अगर कुछ ख़रीद भी लिया है, कुछ मेहनत भी कर ली है, तो कहीं पहनने का मौका नहीं मिला। तो हमने उनको मौका दिया जी, यहाँ आएंगे, वो अपनी वार्डरोब और अपनी तैयारी भी हमें दिखाएंगे, लेकिन इनमें से कई लोग हैं जो अपनी चीज़ों को अपस्केल भी कर रहे हैं, विच आई थिंक इज़ अ वेरी टाइमली मैसेज। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक और फिर अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। और ऑफकोर्स जी, पाकिस्तान में कोई भी सेलिब्रेशन खाने के बगैर नामुकम्मल है। तो आपके घर में वो ईट ट्रॉली बनी होगी, हम भी अपनी ईट ट्रॉली बनवाते हैं, और उसमें क्या क्या होगा आप सीख भी सकते हैं, रेसिपीज़ भी बड़ी दिलचस्प होंगी। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारा आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल ईद स्पेशल, एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल और अब हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हैं, आज हमारी मेहमान हैं। थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान भी इन्होंने हमारे पास नहीं लेकिन कहीं और किचन संभाला हुआ था। रेसिपीज़ भी ज़बरदस्त हैं, हेल्दी भी होती हैं, टेस्टी भी होती हैं और यकीनन इनकी अपनी बातें और पर्सनैलिटी भी बहुत फ्लेवरफुल है। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ वर्दा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक टू यू टू। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको मुझे देख के भी लग रहा होगा कि मुझे पता है आज मुझे किचन नहीं संभालना, आज मुझे किचन से छुट्टी मिली हुई है। वर्दा तो बात सुनो, शेफ के मुंह से ना ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कभी कभी शेफ को भी खुशी होने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके साथ जो हैं उनको हम यानी जानते हैं एज आवर फ्रेंड। ऑफ कोर्स ही कम्स ऑन बोर्ड एंड टॉक्स अबाउट अ नंबर ऑफ सोशल इश्यूज और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बड़ी कैंडिड बातें करते हैं। आज भी वही कैंडर और वही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन की हमें तलाश है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत एंड आज यहाँ पर मौजूद हैं अपने बेटर हाफ के साथ यानी अमरीन नजमी खान, इनकी वाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। ईद मुबारक टू यू। खैर मुबारक, और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इन्वाइट किया एज अ कपल। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि आज हम क्लिनिकल इश्यूज के अलावा कुछ मजे की बातें भी करने वाले हैं। ऑफ कोर्स, तो मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा। एक तो होता है ना, ईद में मुझे हमेशा प्रोमो में नजर आता है, लोग कहते हैं हम आपके साथ करेंगे मजे मजे की बातें। हाँ। तो मजे मजे की बातों का हमें इंतजार है। हाँ। और मैं शुरू में इंट्रोड्यूस करते हुए जैसे गई थी बेटर हाफ, अब ये बेटर हाफ है या बिटर हाफ है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अच्छा, शुरू में स्ट्रेस दे दिया। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ऑफ कोर्स समबडी हु वी कंसीडर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसकी वाकई बहुत कमी थी। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारा जो यानी सलूक है, बर्ताव है स्ट्रे एनिमल्स के साथ, यानी गली मोहल्लों में अगर आप कैट्स एंड डॉग्स को देखते हैं, छोटे बच्चे को देखें तो वो नेचुरली उसकी तरफ लपकता है, उसको प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होने लगते हैं तो हम देखते हैं कि वो उनको धुतकारते हैं और ये एक बड़ी क्रूल साइड है हमारी सोसाइटी की। सो ऑफ कोर्स आवर नेक्स्ट गेस्ट हैज़ कम टुगेदर विद हर ओन फाउंडेशन जो उनके नाम से मुंसलिक है और खुसूसन काम करती है एनिमल राइट्स के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा चुंदेकर। अस्सलाम वालेकुम आयशा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, मैं आज आपका जब यू नो व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग यू आई वाज गोइंग बैक एट अ टाइम शी एंड आई यू नो वी क्रॉस पाथ at a certain agency jahan pe she was working as a production assistant and I was working with a PR stunt of mine aur Aisha us waqt hum soch rahi thi is foundation ke bare mein kabhi socha tha ki this journey is many years down the line and alhamdulillah so many animals rescued taken care of kaisa mehsoos karti ho no bahut surreal feeling hai mashallah se 8000 se zyada animals ko rescue aur rehabilitate kiya hai usme donkeys hai dogs hai cats hai monkeys hai all kinds of birds so now we are going towards wildlife as well so humne kafi kism ke animals ko rescue kiya hai ek ambulance service banayi hai ek sanctuary banayi hai so it's quite surreal when you think about it absolutely aur jitne log hum jante hain jo animal lovers hain kai aapko celebrities bhi aise nazar aayenge badi interesting baat mujhe ye lagti hai ki jab wo mulk se bahar jate hain aap kisi bhi mulk mein jo stray animals hain khususan turkey log bahut jate hain ab to khair wahan pe bhi lockdown hai lekin aap dekhen ki wahan pe jo cats and dogs hain wo vaccinated hote hain aur iske alawa unka jo khayal rakha jata hai yani raagir unke liye khana unke liye shelter chhod ke jate hain to I think that's the kind of change ACF has initiated in our society as well. So kudos to you for that. और इसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन अब ज़रा रुक करते हैं हमारे किचन का क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है सलमा जी। बिकॉज सलमा जी को फिर हमने वही जिम्मेदारी दे दी, आए ज़रा देखते हैं इनके पास चल के कि किचन का क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। माई तरफ से भी आपको ईद मुबारक और आपके ये जो बहुत सारा प्रिय मित्र पुदीना, देखें जी ये इसके बगैर तो जी सलमा जी का किचन नामुकम्मल है। और पुदीना हमारे साथ है, इसके अलावा ये क्या करेले केरे ये खीरे हैं, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है। देखें जी, जो मेरा मित्र था उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ। बाकी बहुत सारी चीजों ने साथ छोड़ दिया और मैं बहुत सख्त परेशान हूँ कि मैंने बनाना क्या है। हाँ, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ सलाद का सामान लग रहा है और मैं बिल्कुल ईद पे सलाद खाने के मूड में नहीं हूँ। यानी पूरा महीना जब रोजे की हालत में थे तो यहाँ पे तल तलाव नहीं खत्म हो रहा था, चटपटी चीजें नहीं खत्म हो रही थी और आज जब ईद है तो हम खाएंगे ये खीरा। नहीं नहीं, फिक्र नहीं करें क्योंकि मैं अभी ऑर्डर कर रही हूँ ग्रोसरी, आप लोग भी ग्रोसरी ऑर्डर करें, मैं कर रही हूँ फूड पांडा की मदर से। हाँ। हुआ क्या कि मेरे पास कोई भी चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है जो मैं बनाना चाह रही हूँ, जैसे बिरयानी एंड अल्फ्रेडो पास्ता, तो उसका सामान मुझे चाहिए। मैंने सोचा बजाय किसी को भेजने के या कोशिश करने के,
आप फूड पांडा को ऑर्डर करें। सुने, एक्सप्लेनेशन लंबी होगी, जल्दी जल्दी काम करें और इसके ऊपर ऑर्डर करें, क्योंकि आप उसमें शॉपिंग लिस्ट जो उनकी ग्रोसरी है उसको अपने आइटम को दबाना है और चले जाना है, और थोड़ी देर में मैं इसमें सारे आइटम्स भर दूंगी और ये डन है मेरी तरफ से। आप लोगों के लिए बताते चलें कि वो तमाम मर्द हज़रात जो ईद की नमाज़ क्योंकि पढ़ के आए हैं तो बड़ा काम करके आए हैं ना, इसके बाद वो आराम कर रहे हैं, तो ख़वातीन इस वक्त परेशान है कि जो जो चीज़ कम पड़ी हुई है तो उसके लिए वो परेशान हो रही होंगी इधर उधर। तो यकीनन कोशिश ये कीजिए कि आप उनके बगैर भी काम अपना चला सकें, फूड पांडा पे जाएं, जो चीज़ रह गई है फौरन ऑर्डर करें। और सितरा, उनके बगैर क्या, उनको बाहर जाने ही मत दीजिए ना, क्या ज़रूरत है इस कोविड के दिनों में बाहर निकलने की। आप सिर्फ फूड पांडा पर ऑर्डर करें और थोड़ी देर में आपको सारा सामान मिलेगा, चाहे आपने डिलीवरीज लेनी है खाने की और चाहे आपको ग्रोसरी चाहिए, जस्ट आप ऑर्डर करें और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो आप भी थोड़ा सा इंतजार करें, हमेशा की तरह सलमान ने मर्दों की साइड ली। मर्द हजरात कहीं नहीं जाते, वो नमाज पढ़ के आके ऐसा लगता है उन्हें बहुत बड़ा काम कर लिया, काम बेचारे थक जाते हैं कि उसके बाद तो वो हिल भी नहीं सकते, बस लंबे लंबे एक ही है ना, चार ऐसा है कि नहीं, बताइए। नमाज पढ़ते हैं, आज आप लाए टमाटर अंडे, पूरी तैयारी से आई है, लेकिन वजाहत अगर आपको दावत दी जाए किचन की तो आप संभाल लेंगे ना। मैं सफाई कर सकता हूँ किचन, जब ये साफ काम कर देंगी तो जाके मैं क्लीनिंग खाना होगा उसको साफ कर सकता हूँ। नहीं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पकाना कुछ नहीं आता सिवाय चाय के, लेकिन यस मैं इतने कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि जब किचन सा काम हो जाए तो मैं जाके सब क्लीन कर दूँ। अच्छा, क्योंकि ये मेरे अंदर एहसास है कि यार थोड़ा सा मिल बांट के काम करने में ज्यादा मोहब्बत होती है और बरकत भी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जरा अजराहन मजाक ये बात हो रही थी कि जिसने कोविड वैक्सीन लगा ली, और यकीनन क्योंकि आप हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आपने पहले लगा दी, सुनने में आया उसका साइड इफेक्ट ये है कि अपने स्पाउस से, बीवी से मोहब्बत का एहसास ज्यादा होता है, आपने ये महसूस किया? जी हाँ, पहले दो दिन तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, ऐसा नहीं था, लेकिन तीसरे दिन के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत हो गई है, और फिर मुझे चौथे दिन बाकायदा एहसास हुआ कि मुझे ज्यादा मोहब्बत हो गई है। डॉक्टर ने कहा ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, बट आई एम एंजॉयिंग द साइड इफेक्ट आई थिंक। और ये वेयर ऑफ तो नहीं होंगे ना, मेरे ख्याल में साल दो साल तो रहेंगे, इसके बूस्टर हर साल में लग जाते। मुझे भी जाके सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए, आपको अपने मियां को लगवानी चाहिए। ये देखिए, अपने खुद को लगवाइए, मेरे हस्बैंड के लगवाओ, मुझे भी जाके मियां को लगवानी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात, साइड इफेक्ट वहां आना चाहिए, मैं लगवा दूंगा। अच्छा, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर वाकई आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, लुकिंग एट द वेव अराउंड अस, आपको फौरी तौर पे जाके वैक्सीनेट कराना चाहिए। क्या सूरत हाल है वैसे, लोग अभी भी हिचकिचा क्यों रहे हैं? वजह देखिए, जब ये इंसानी नफ्सियात ही ऐसी है, जब वैक्सीन नहीं थी तो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि जल्दी से वैक्सीन आए, और जब वैक्सीन आई तो फिर दो किस्म की पॉपुलेशन है हमारी, हमेशा एक मसला करती है और वो मुख्तलिफ किस्म की कयास सराइया कर रहे हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि वैक्सीन आप जाके लगाएं, कोई सी भी वैक्सीन हो वो अपने ट्रायल के बाद आई है, और उसको लगाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे पॉपुलेशन में कोरोना का जो रेट है वो कम भी हो रहा है, और जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं ना, जो उनको कुछ नहीं आता, वो यूट्यूब वाले जो साइंटिस्ट हैं उनसे दूर ही रहें। हाँ। और उनके उन मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड भी ना करें, क्योंकि वो हमारे लोगों के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीरियसली, आप ये जो बात करें, ही इज एब्सोल्युटली राइट। आपने देखा है मास्क लगाने के लिए लोगों ने क्या क्या निकाल लिया है, मास्क में जो है वो। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा एग्जैक्टली मैंने बड़ी खतरनाक वीडियो देखी, एक साहब ये क्लेम कर रहे थे कि मैं पता नहीं हजारों सैकड़ों की तादाद में मास्क को आग लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें वर्म्स हैं और अगर आप ये लगाएंगे तो ये मुजर सेहत है। प्लीज इस तरह की बातों से इज्तनाब करें, क्योंकि आप अवाम को और बढ़ा रहे हैं। बल्कि एक और रिपोर्ट मैंने देखी थी, विच आयशा फॉल्स डायरेक्टली अंडर व्हाट यू डू, कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपको कोविड हो तो यू कैन गिव इट टू योर पेट एज वेल, लाइक देयर आर सम लिंक्स जिसमें देखा ये गया है कि इंसानों में ये जो इन्फेक्शन है ये आपके पालतू जानवरों को भी लग सकता है। इसके बारे में आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है? इज दिस ट्रू? इट्स नॉट ट्रू, राइट? ये बहुत लोग डराते थे जब कोविड शुरू भी हुआ था। हाँ। उस टाइम पे सब लोगों ने बोला कि योर पेट्स कैन गिव इट टू यू, तो पीपल स्टार्टेड अबैंडनिंग द पेट्स ऑन द रोड, लेकिन ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली जो मेरी सेंचुरी है वो सबसे सेफ जगह है, कि ये लास्ट पूरा साल मैंने वहाँ पे गुजारा है, बिकॉज एनिमल्स आर द सेफेस्ट राइट नाउ, तो सबको एनिमल्स से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए, बिकॉज
they are a lot safer to be around right now than human beings are. और बल्कि अगर हमने वेस्ट को अगर हम देखें, मगरबी ममालिक में देखें, जहाँ पे बड़ी फैमिलीज नहीं होती, लोग अकेले रहते हैं, लोगों के लिए लॉकडाउन और क्वारंटीन में रहना नामुमकिन हो जाता अगर उनके साथ उनके पालतू जानवर नहीं होते। जो जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, अगर आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो आपके पेट्स आपको रेस्क्यू करते हैं, आपको सहारा देते हैं, दे लिटरली लाइक यू नो दे बिकम योर फैमिली, आपके साथ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह लॉकडाउन में भी अगर आपके घर में एक जानदार है, आपका पालतू जानवर है, उससे भी आपको ज़िंदा रहने का, मोहब्बत का, हमदर्दी का एहसास रहता है। और ये बातें हमारी चलती रहेंगी, लाइट हार्टेड गुफ्तगू भी होगी, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आप भी बताइए आपकी ईद कैसे गुजर रही है, और दुआ कीजिए हमें सलाद ना खानी पड़े, हमें भी बिरयानी मिल जाए। उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं फूड पांडा का कि वो जल्दी से आए और बाकी ग्रोसरी हमारे लिए लेके आए। सो स्टे विद अस एंड वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल, और यकीनन आज दिन है उस तरह से मिलने मिलाने का नहीं, लेकिन यकीनन अगर आपने अपने दोस्तों को कॉल भी नहीं की और जूम कॉल भी नहीं की, तो डेफिनेटली यू आर मिसिंग आउट। क्योंकि बेशक अगर आपने बाहर नहीं भी जाना है, ज़रा तैयार शैयार हों, ये कोई आम दिन नहीं है, ये सोने वाला दिन नहीं है कि बस आप सोए और आपने नेट देखी। प्लीज़ गेट अप, मेक दी एफर्ट एंड फील दैट सेलिब्रेशन। है ना वर्दा, अगर घर में भी रहना हो तैयारी ज़रूरी है, तैयारी ज़रूरी है, ताकि एक फील आती है ना कि आज कुछ स्पेशल दिन है, कुछ स्पेशल डे है। और मेरे घर में ये रूटीन है कि जब हम सुबह लाइक मेल घर के सारे मर्द हजरात जो होते हैं वो ईद की नमाज़ के लिए जाते हैं, तो मैं, मेरे बच्चे, हमारे घर की सारी लेडीज़ जो हैं वो सब उठ के सबसे पहले तैयार होने जाती हैं, और फिर हम जो है वो किचन में जाते हैं जो भी नाश्ता वगैरह करना होता है। आमतौर पे जब गुड ओल्ड डेज, अब तो ऐसा ही लगता है कि कोविड से पहले की बात करते वजह, एक आपके घर के कपड़े होते थे, यानी जो आपने घर में बस पहनने, एंड यू आर स्टिल ड्रेस्ड अप, और फिर शाम की तैयारी होती थी जब मेहमानों ने आना है या आपने कहीं मेहमान बन के जाना है। लेकिन जी चीज़ जो कॉमन है वो ऑफ़ कोर्स हमारे पकवान होते हैं, चाहे वो आपकी ईद की ट्रॉली हो या आपका दोपहर का खाना हो या दावत का खाना हो, उसकी तैयारी बड़ी अहम है। और जिस तरह के हम पहले भी कह रहे थे, कुछ अगर एक आध चीज़ कम रह गई है तो आप पांडा मार्ट से मंगवा सकते हैं। आपने भी मंगवाई है, कहाँ रह गए जी? और ऐप पे चेक करें, मेरी ग्रॉसरी बिल्कुल पहुँच गई है बेटा, ज़रा देखें। आ जाओ, आ जाओ। अरे वाह, बड़ी क्विक सर्विस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक। देखें जी, मेरी ग्रॉसरी तो पहुंच गई है, अब देखें उसमें आया क्या है। और सलमा जी, नोइंग यू, आपने इनको एक जगह नहीं भेजा होगा, बड़ी सारी जगह भाई ने चक्कर लगाए होंगे आपके चक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पेमेंट हो गई भी है, ऑनलाइन पेड है। थैंक यू सो मच। एक बात याद रखिएगा, बहुत एहतियात से जाइएगा, और थैंक यू सो मच फॉर SOPs फॉलो करने के लिए। आप सब ने भी पांडा मार्ट पर लॉग इन करना है और अपने लिए ग्रॉसरी मंगानी है, सामान मंगाना है। कोविड के दिनों में बाहर जाने की जरूरत नहीं, और स्पेशली ईद में तैयार होकर बाजार जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने की भी जरूरत नहीं है। सामान आ गया है, थोड़ी देर में आपको खाना मिलता है। अच्छा जी, लेकिन समन ज़रा रोक लें भाई को बाहर से, उनको पेमेंट तो ऑनलाइन हमने कर दी, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर आप किसी भी फूड सर्विस से, किसी से भी कुछ डिलीवर कराते हैं, मेरे ख्याल में लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईदी तो बनती है बॉस। ये तो बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ अच्छा, अब जितनी देर में मैं ग्रोसरी सारी खोलती हूँ, प्याज कट चुका है, तो क्यों ना डालडा कलौंजी ऑयल इस्तेमाल किया जाए, जो कि इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है और हेल्दी है। और फिर कहा जाता है, जहाँ ममता वहाँ डालडा। इतनी ममता का एहसास हो रहा है, हमें ईदी भी दे दो ना। हाँ, मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहती है, सलमा जी हमारी माशाल्लाह जगत मम्मी मशहूर हैं पूरी इंडस्ट्री की, तो हमारी ईदी कहाँ है? आपको पता है, इस चक्कर में सलमा जी वैक्सीनेट नहीं करा रही थी, वरना लोगों ने कहना था अब तो और सर्टिफाइड है, हमें ईदी बनती ही बनती है। बनती है हमारी ईदी तो बनती है, बिल्कुल जी ईदी बनती। बिरयानी नहीं, दूसरी वाली ईदी। मैं उसके बाद मीठा बना के खिला रही हूँ आपको, ओरियो के साथ। ये सारी बातें तो आ रही है, हम कैश की बात कर रहे हैं, हम बकायदे ईदी लिफाफे वाली बात कर रहे हैं। नहीं नहीं जी, बिल्कुल। वजाहत, आप ये बात नहीं कर सकते, आपको पता है ना, अब आप जर्नलिज्म वाली, अब आपका माशाल्लाह अपना शो है, अब आप जर्नलिस्ट बन चुके हैं, तो यकीनन बहुत जरूरी है, आप लिफाफा जर्नलिस्ट नहीं खिला सकते, आप लिफाफे वाली बातें ना किया करें। बहुत दूर से आई, चक्कर क्या है, बात तो सही है ना, तो हम नहीं ले सकते। सारे लिफाफे अपनी वाइफ को दे देता हूँ। हम ऑनलाइन लेते हैं वजाहत, लेट मी आल्सो टेल यू, हम ऑनलाइन ट्रांसफर लेते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना आ जाए, चाहे कुछ भी, जो ईदी आपको लिफाफे के बाहर से दिखती हुई मजा आता है ना,
वो कहीं नहीं आता, क्योंकि उसमें मुकाबला चल रहा होता है किसको कितनी मिली है और किसको कितनी। और वाकई बच्चों के तो ईद पे स्पेशली मीठी ईद पे तमाम घर के चाहे छोटी छोटी सी बच्चियां क्यों ना उनके अलग से पर्सेस और बैग्स परचेस किए जाते हैं। मीठी ईद की बात हो रही है तो मीठे के बगैर तो मीठी ईद नहीं होगी। आपने प्याज आलू टमाटर हमें सब दिखा दिया, बताएं मीठे में क्या बन रहा है? मीठी ईद है भाई। ओरियो के साथ हम डिजर्ट बना रहे हैं। इतनी बड़ी छुरी हो तो वैसे ही इंसान से ना पंगा नहीं लेना चाहिए। और जो ना साथ में और टेंशन में बिल्कुल सही बना रही होंगी जो बना रही है। बस ठीक है, बस बना दो, मैंने पहले छुरी पकड़ी। आप पूछना मीठा क्या बन रहा है? अच्छा बताएं, अगर जान की अमान पाऊं तो पूछ लूं कि ये रूह अफजा क्या कर रहा है यहाँ पे? रूह अफजा से आपको मशरूब बना के देंगे, बड़ा मजेदार सा। तो मैंने कहा गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तब क्यों ना हम कुछ मीठा भी पीते। एब्सोल्युटली। और गर्मी की जहाँ बात हो रही है, जहाँ हम अपना ख्याल रखते हैं, तो बड़ा अहम है। एक दफ़ा फिर अगर मैं जाना चाहूँ आयशा आपकी तरफ सेंचुरी, यू नो आई वॉज थ्रू आउट थिंकिंग जब हम रोज़े की हालत में होते थे और इतनी गर्मी, और यहाँ पर तो स्टूडियो में लाइट्स भी बहुत शदीद थी, तो हमें ऐसा फील होता था कि वाकई हलक खुश्क हो रहा है। तो उस वक्त एहसास होता है कि हम तो फिर भी कह के पानी मांग सकते हैं, ये जो बेजुबान जानवर हैं जगह जगह, इनके लिए क्यों नहीं हमने कोई इंतज़ाम किया हुआ? एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से टू पीपल? थिंक बस वही चीज़ है ना, कंपैशन। अगर हम बच्चों में वो कंपैशन इंस्टिल करें फ्रॉम व्हेन दे आर वेरी यंग, कि जो लिविंग बीइंग्स हैं हम सब सफ़र करते हैं। तो आई मीन जब लोग मुझसे भी बात करते हैं वो कहते हैं कि आप एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एंड आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड एन एक्टिविस्ट बिकॉज एक्टिविस्ट की बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन भी हो सकती है। आई जस्ट थिंक कि आई एम समवन जो जब से मैं बहुत छोटी थी मैं सफरिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ऑफ ह्यूमन और एनिमल। तो आई थिंक अगर वो एहसास लोगों को थोड़ा सा आ जाए कि जो सफरिंग होती है, यू नो, जो हम सफ़र करते हैं, इंसान सफ़र करते हैं, एनिमल्स वैसे ही सफ़र करते हैं। आयशा, व्हाट इज़ ईद लाइक एट योर सैंक्चुअरी? मुझे ये पता करना है बिकॉज कई लोगों को मैंने देखा, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, आई हैव येट टू विजिट इट, क्योंकि हम जब भी प्लान बनाने लगते हैं कुछ ना कुछ, आई थिंक आइदर यू आर ट्रैवलिंग, आई एम ट्रैवलिंग, या फिर कोविड का थोड़ा लॉकडाउन सिचुएशन टफ हो जाती है। बट आई वॉन्ट टू नो कि ये जो ईद त्यौहार होते हैं, फेस्टिव सीजन होते हैं, क्या आप, you know, do you celebrate them at the sanctuary as well? Yes, we have a blast, we have such a good time. Hum every holiday ko celebrate karte hain aur bahut maza aata hai. Isliye jo hamari puri team hai, mashallah se ab we have a team of about 45 staff members. Pehle sirf main hi thi, to 8 saal mein hum thode se bade hue hain. So it's really nice because we are like a family and we dress up our animals in different festive how cute ways. Aur phir animals ko bhi I think feel hota hai ki kuch maza hone wala hai. Hum treats dete hain, hum yogurt aur banana smoothies banate hain for the dogs, hum donkeys ko watermelons dete hain. We dress up all the animals. Before corona hum bachcho ko wo call karte the. It was really nice because jo bachche who have been through a lot of trauma, who have been through drug addiction, who have been through a lot of abuse, ye bahut खूबसूरत जगह है टू कम एंड हील फ्रॉम द ट्रॉमा। आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट एज वेल फॉर ह्यूमंस, सो आई यूज एनिमल्स एज अ मीडियम टू हेल्प पीपल हील दैट ट्रॉमा, व्हिच आई एम श्योर वजाहत वुड अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम ओवर देयर, बिकॉज जो एनिमल्स की रेजिलियंस होती है, जो उनका स्पिरिट होता है, जैसे थ्री लेगेड डॉग will not know he's three-legged. He thinks he's as fast as a four-legged dog. So wo jo, you know, wo not good enough feeling jo insaan mein wo paida ho sakti hai, wo animal mein kabhi nahi hota. Aur dusra ye hai ki Aisha, unconditionally they give and receive love. Yes, yani wo jis tarah aapne kaha ki apni kami ka ehsaas nahi hai, apne aap ko mukammal samajhte hain aur usi pyar se apna, yani wo pyar ka bhooka hota hai, aap usko jitna you know kindly treat karenge wo aapko utna hi belos pyar aage se karega. Bilkul sahi. तो जैसे हमारी सोसाइटी में हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ। एब्सोल्युटली। सो इसलिए बच्चों को ये ज्यादा आई थिंक सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। आप में से कोई है एनिमल लवर? अमरीन, आप क्या कहेंगे? यू आर, डू यू हैव एनी पेट्स? आई यूज्ड टू हैव 7 कैट्स व्हेन आई वाज इन जद्दा। तो ये तो वो कैट लेडी वाली बात तो भी इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हम सब ने ट्रैवल कर लिया, मेरी शादी हो गई, मेरी सिस्टर की हो गई, वी मूव फ्रॉम जद्दा टू पाकिस्तान, कोई कहीं चला गया पढ़ने, मेरी सिस्टर कहीं मलेशिया चली गई, माय मॉम वाज अलोन एट होम, सो इट रियली हेल्प हर आउट।
लाइक उस टाइम पे ना अम्मी के लिए बड़ा जरूरी था कि उनके पास कोई पेट्स थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कोप अप किया फिर, बिकॉज़ शी वाज सो बिजी विद द पेट्स देन, और अपनी एक रूटीन बन जाती है ना, देयर वर स्टिल फैमिली मेंबर्स एंड पीपल यू नो बीइंग्स इन द होम जिनका उनको ख्याल रखना था, बिल्कुल सो घर में कोई नहीं होता था, माय डैड ट्रैवल्स अ लॉट so usually ammi is alone so when there were pets around her so she was like happy she was fine she was so busy with them whole day acha hamare paas ittefaq se is waqt jitne tamam guests baithe hue hain wo bade active log hain lekin kai logon ki jo diet chart hai wo bilkul sideline ho gayi thi pakode samosa humne daba ke ji ramzan mein khaye hain aisha to by the way she and I we are gym buddies as well aur bahut lamba break aa jata tha fir thoda bahut hum online karte the I think fatima is going to be super angry once we go back kyunki hamari kafi had tak jo powers thi super powers thi और इंड्योरेंस ही वो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे, वजाहत से भी और वर्दा से भी पूछेंगे कि कितने पकौड़े और समोसों ने हमारा बिड़ा गर किया है और अब क्या करना चाहिए। चलें एक मुत्तफिका लाए अमल बनाते हैं इसके ऊपर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारा ईद स्पेशल। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल, बात हो रही है खाने पीने की। थ्रू आउट द मंथ एक नहीं दो नहीं कुछ लोगों के तो 30 के 30 चीट डेज रहे हैं जिसके असरात अब हम अपनी वेइंग स्केल पे देख रहे हैं, लेकिन देखें जी डाइट की बात होगी, क्लीन ईटिंग की बात होगी प्रॉबेबली ईद के बाद, यानी ये तीन दिन हम थोड़ा सा और ब्रेक और ले लेना वरदा। हाँ, तीन दिन लेना अभी तो बनता है, और अभी आप चाहें भी तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, और वाइल वी आर सेइंग दिस खुशबुएं कितनी अच्छी आ रही है। तो खुशबू आना, बिरयानी रेडी हो गई है, बिरयानी रेडी हो गई है, वाह, ये इसको कहते हैं झटपट कुकिंग। लेकिन बिरयानी की तरफ अभी हम आएंगे, वजह तुम्हारे तो मुंह में पानी आ रहा है वो क्या था वो? सोचो खुशबू, देख बिरयानी वैसे कराची के लोगों की वो कमजोरी है और फिर खुशबू बड़ी मजे की आ रही है, बिल्कुल सही। प्लीज मुझे जरा बड़ी प्लेट में डाल के दीजिए। अभी आप वो कुछ कह रहे थे ना, वो पकौड़े एक खाओ तो दूसरा फिर हाथ नहीं रुकता, और क्या होता है वो ऑर्गन जो आपको सिग्नल करता है बस मुझे रुक जाइए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ब्रेन में एक ऑर्गन है जो की हमें बताता है की बस कर दो, वो आपके हंगर सेंटर को बताता है की बस अब खाना नहीं खाओ। Okay. मेरा तो वो खराब हो जाता है हाँ। वो इतना ज़्यादा मैं खा लेता हूँ उसके बाद मुझे यूं करे बैठा हुआ। लिसन, आप इफ इट इज एनी कंसोलेशन, आप अकेले नहीं है, पाकिस्तान में 90% लोगों का वो काम नहीं करता है हंगर सेंटर, वो भी इफ्तार के टाइम पे स्पेशली जब पकोड़े सामने आते हैं। लेकिन इसकी एक साइड मैं ये कहता हूँ कि 30 दिन में अगर आप अपने इस टेम्पटेशन को ना करें कंट्रोल, थोड़ा बहुत खा लें, आप अपने आपको ग्रेटिफिकेशन दे रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ी वॉक कर लें तो सब हो जाता है। सुने बैलेंस, आप बात सुने, ग्रेटिफिकेशन के और भी तरीके थे, मिसाल के तौर पर खवातीन के लिए शॉपिंग बहुत अहम थी जो कि हमने देखा कि इस दफ़ा रमजान में नहीं हो पाई। आपने कैसे कोप किया अमरीन, आपने शॉपिंग वगैरह की ऑनलाइन की? ऑनलाइन जबरदस्त, लास्ट ईयर तो आई रिमेंबर लास्ट ईयर तो इतनी शॉपिंग की भी नहीं थी, बिकॉज यू नो वी वर ट्रैप एट होम, घर में लॉकडाउन में बंद थे, तो बहुत मिनिमल की थी उस टाइम, लेकिन अब तो चलो एटलीस्ट वी आर गोइंग, द वर्क हैज स्टार्टेड नाउ, बट तो फिर ये कि ऑनलाइन जो भी। लेकिन वैदा आपके लिए तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड था हमारी तरह, रमजान के 300 दिन माशाल्लाह आप कुकिंग भी और अपेरेंसेस भी, तो फिर किस तरह मैनेज किया? देखिए इस दफ़ा तो खैर बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि ट्रांसमिशन चल रही होती हैं, और जब हम जाते हैं घर 5:30-6 बजे तो उस वक्त ऑलरेडी सब कुछ बंद हो जाता है, तो बीच में एक आधा ऐसा कर लिया था कि अर्ली मॉर्निंग चली गई थी, तो फिर वहाँ जैसे बच्चों के लिए स्पेशली मेरी बेटी के लिए तो ओ गॉड, अगर मैं ना कुछ लूँ उसकी मर्ज़ी का ना, तो बस वो चांद रात वाले दिन जो है ना वो स्यापा पै जाना बिल्कुल सही, और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चे वैसे ही घर पर बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट आपके लिए, और स्पेशली इफ़ यू हैव अ डॉटर, और वो डॉटर जो बहुत शौकीन हो पहनने ओढ़ने की, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक तो लॉकडाउन है, बच्चे कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, और फिर ईद भी थोड़ी सी इस तरह से ना हो तो वो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। पर टेल मी समथिंग, इस दफ़ा तो नई नई चीज़ें हमने सुन रही हैं ना, यानी मुझे याद है हमारे बचपन में वी कुड गो टू एनी प्लेस और हम वहाँ पे बस रश देखते थे, डिज़ाइन चेक करते थे, हम कहते थे मेहंदी लगवा दें, लेकिन आई वॉज अपॉल्ड इस दफ़ा इतनी ज़्यादा लोगों ने, बल्कि इससे पहले भी, बट नाउ आई सी पिक्चर्स ऑफ केमिकली ट्रीटेड मेहंदी जिसकी वजह से परमानेंट लोगों के बर्न्स हो रहे हैं ना, तो ये एक नई चीज़ सामने आई है वरदा। वो पता है उसमें वो केमिकल होता है और इमरजेंसी कोन के नाम से वो मिल रही होती है, और मैं कहूँगी प्लीज़ इस चक्कर में ना रहें कि आपके जल्दी कलर आ जाए, हाँ। वो इस चक्कर में लेते हैं कि आप 5 मिनट में कलर आ जाते हैं, और अक्सर होता है जब आप लगाते हैं
आपको हल्की सी बर्निंग या इचिंग फील होना स्टार्ट होती है, दैट्स द टाइम जब आपने हैंड वॉश कर लेने हैं अपने, एग्जैक्टली आप बर्दाश्त नहीं करें. अदरवाइज मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे, क्योंकि देखें आप बास लोगों की स्किन पे भी स्किन टू स्किन वेरी करता है, एलर्जिक रिएक्शन है. बास दफा हो सकता है आपकी स्किन पे इतना रिएक्ट ना करें, मगर अगर मेरी स्किन सेंसिटिव है तो वो इंस्टेंट रिएक्ट करेगा और वो बर्न भी कर सकता है. बिल्कुल सही. तो ये आपने बास मैंने देखा है वो बर्निंग हो रही है, वो सैलून वाली कहती है थोड़ी सी इचिंग हो रही है. हाँ हाँ थोड़ी सी होगी, 5-10 मिनट बर्दाश्त कर लो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी. हाँ 5-10 मिनट बर्दाश्त कर लो, ये ठीक हो जाएगा. जब आप किसी डाई कराते हैं या स्ट्रीक कराते हैं तो कहते हैं हम टच करके 10 मिनट देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वॉश आउट कर देंगे. अच्छा हमारे हर चीज में दिलासा दिया जाता है और हमारे उल्टा कहा जाता है कि इसका मतलब है ये काम कर रहा है. अगर आपको किसी चीज से हमने फ्रेश करना है इसका मतलब है ये काम कर रहा है, इसका मतलब ठीक है, बिल्कुल सही है, क्वालिटी अच्छी है. लेकिन जी एक चीज जिसको हम पेन फ्री बनाना चाहते हैं, यकीनन आपकी ईद की खाने की तैयारी है और उसमें आज बिरयानी सलमा के स्टाइल की जो कि कराची बिरयानी है, तो लेट्स सी के है क्या क्या. मुझे जरा किचन में जाके देखना ही पड़ेगा. यही आ जाइए जी, बिल्कुल हम जरा देखें खाने के लिए. मेरी जबरदस्त खुशबुएं आ रही है और ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी जो ना ड्रमस्टिक ऐसे करके शाहाना शान तरीके से, मेरा प्रिय मित्र भी है और इसके साथ उसका प्रिय मित्र धनिया भी मौजूद है ना जी. बिल्कुल जी, बिरयानी रेडी है और बिरयानी ना हो या पुलाव ना हो तो ईद का मजा नहीं आ रहा होता. हाँ. जैसे शीर खुरमा ना हो तो ईद का ईद ईद शीर खुरमा बनाया. अभी आपको देखिए तो सही, इतना मजेदार डिजर्ट मिलेगा जो कि ओरियो डिलाइट है और वो होगा ओरियो क्रम्स के साथ. ओरियो क्रम्स बिस्किट नहीं है बल्कि बिस्किट क्रम्स है. और इससे क्या होता है, खाना बनाना या डिजर्ट बनाना, जो भी हम मीठा बना रहे हैं वो डिजर्ट बनाना बहुत फन एक्टिविटी हो जाती है. बिल्कुल. अच्छा इसको हम हालांकि बना रहे हैं नॉन ट्रांसपेरेंट, उसमें आई थिंक इसकी वो खुशबू यानी इसकी खूबसूरती इसमें है कि अगर आप वाकई लेयरिंग करते हैं अगर इन क्रम्स के साथ तो वो दिखे भी, चाहे आप उस पर कस्टर्ड डालें क्रीम डालें आपकी अपनी मर्जी है. वरदा आपने ट्राई किया अभी तक इन क्रम्स को? नहीं मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट अब मैं देख रही हूँ, मैं यही सोच रही थी कि मैं ट्राई कर लूंगी कल ताकि जो है वो बहुत इजी हो जाएगा. देखिए ये उन लोगों के लिए जिनको गुस्सा कम आता है, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है वो एक्चुअल ओरियोज ले लें और उसको कूट लें, आपकी मर्जी है. वो अच्छा एग्रेशन निकालने का भी तरीका है ना. बिल्कुल सही कह रही है. और लेकिन ये कि मैं इनको ग्लासेस में करूंगी ताकि एक तो लेयरिंग भी दिख जाए और थोड़ा सा अच्छा लगे और हर पर्सन का अपना ग्लास हो, चाहे वो खुद बना लें चाहे जिस तरह मर्जी करें. हम थोड़े से मिक्सचर बना लेंगे एंड देन पोर. ये देखें जी 1, 2, 3, 4 यानी आयशा अमरीन फिर इसके बाद वजाहत और वरदा. मेरा ग्लास कहाँ है? कलौंजी वाले तेल के बारे में एक चीज मैं कहूँगी, बिरयानी बनाई है और फ्रेडो बनाया है, लेकिन प्लीज अपने घर वालों से प्यार करते हैं तो आप डालडा कलौंजी ऑयल के अंदर कुकिंग करें, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा. और ये खाली ऐसे नहीं कहा जाता, जहाँ डालडा वहाँ ममता, कहने का मतलब ये है बहुत अरसे से हम सब हमारी माओ ने यूज़ किया और अब हम अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, प्यार तो वहाँ मौजूद है पर जायका भी है और मज़ीद इनोवेशन भी है, क्योंकि ये है जी कलौंजी कनोला. और खास तौर पर आजकल की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ज़रूरत है और आप जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेट भी करें लेकिन दूसरी बीमारियों से दूर रहें, अपने आप को इन वबाई अमराज से दूर रखें. सो यूज़ कलौंजी कनोला. और अब हम जाएंगे ओरियो, अब मैं डिज़र्ट बनाती हूँ, आप बैठे इन लोगों को मैं खाना देती हूँ. हाँ जी, लेकिन साथ में डिज़र्ट. अच्छा इसके अलावा पास्ता भी है, पास्ता की बात करते हैं. अब ज़रा मीठा बनने लगा है तो वापस आ जाते हैं गैस के पास और उनको मैं थोड़ा सा दिलासा देती हूँ क्योंकि ब्रेक लेंगे ना आप खाली हाथ आ मैं इसलिए क्योंकि हम ज़रा इस वक्त तो देखें हमारी भूख का ये आलम है, हमने टूट पड़ना है उसके ऊपर. तो खामखा नाज़रीन वो हॉरर शो ना देखें, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में हम खाना खाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे. बट आयशा और मिस्टर एंड मिसेस वजाहत आपके आने का बहुत शुक्रिया, वरदा आपके भी आने का शुक्रिया. और आज देखें आपको तैयारी का मौका मिला क्योंकि हमने आपको किचन जिम्मेदारी नहीं. थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी. बट थैंक यू गाइज, इट ट्रूली फेल्ट लाइक ईद क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए और हमें भी ऑब्जर्व करनी है ये SOPs, ये आपके अपने फायदे के लिए. वजाहत यू बीइंग अ डॉक्टर, आखिरी कोई बात लोगों से कहना चाहोगे खास तौर पे इन दिस एनवायरनमेंट? अब देखें जो हालात हैं अब वो हालात आगे चलेंगे, अभी एक दो साल और चलेंगे तो हम इसके साथ एडजस्ट करें अपने आप को
और SOPs को फॉलो करके लोगों से मिलना मिलाना भी ना छोड़ें और ज़रूरत से ज़्यादा भी ना मिलें, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। बिल्कुल ही अगर साइड में हो जाएंगे तो आपको एंजाइटियाँ होंगी और फिर आप प्रॉब्लम्स होंगी। मिलें, आपस में मिलें, करीब लोगों से मिलें और जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको इंजॉय करें, व्हाट्सएप वीडियो जो भी होती है, और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से इंजॉय करें। ये जिस तरह कहते हैं ये बड़ी बड़ी प्यारी बात की, मैं चाहती हूँ आप इस पर ज़रा गौर करें। क्या बोला वजाहत ने, कहा कि जैसे रोडों पर ना निकलें और वरना आपको फिर एंजाइटियाँ होती हैं, तो एंजाइटियाँ नहीं होनी चाहिए भाई। देखें आपको और बेगम के साथ बैठ के तो वैसी एंजाइटी होती है भाई। ये देखें ये नया कॉइन किया है, अब जब भी आई एम जस्ट स्ट्रेस रिलीवर। हां ये देखें, एक शॉट और लगवा दूंगी, अब बूस्टर की बारी आ गई है मेरे कल लेके जा रही हूं दोबारा। बिल्कुल सही जी, बट आई विल से कि घर में भी आप लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करना सीखें। ये अपने सर पे ना सोचें कि हम बोर हो रहे हैं, हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, ट्राई टू एंजॉय विद ईच अदर। एग्जैक्टली, अगर घर से आप बाहर नहीं निकल सकते तो आप घर में ही अपने जो है ओकेजंस को एंजॉय करें, मिलें, आप बुलाते हैं घर वालों को, लेकिन SOPs का इस तरह ख्याल रख सकते हैं घर में कि बहुत ज़्यादा क्लोज ना बैठें, दूसरे के क्लोज ना हो। मैं बताऊँ इसका बेस्ट फॉर्मूला क्या है वरदा, या तो अपने घर में कैरम बोर्ड ले आएं या फिर लूडो ले आएं, क्योंकि जितने लोग उसके अंदर खेल सकते हैं बस आप उतने ही बुलाएं घर पे। एंड आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि खाना खाएं, मीठा खाएं और उसके बाद लूडो या कैरम खेलें। अब हम भी जरा करेंगे। और इसके अलावा आयशा, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस? थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड सबसे आसान चीज़ है कोरोना में एक पेट सबसे मज़ेदार चीज़ है कि यू कैन एंजॉय हैविंग अ पेट एट होम, अ कैट और अ डॉग और अ बर्ड और एनी एनिमल। अच्छा, एंड व्हाट आई लव अबाउट आयशा'स अपील इज़ कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अक्सर लोग बड़े एग्जॉटिक पेट्स और यू नो दे ट्राई टू इम्पोर्ट पेट्स एज वेल, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स हैं व्हेन दे गिव लिटर, और ये आप सैंक्चुअरी से बाकायदा कर सकते हैं। आयशा ने मुझे ये बताया था, दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम, मे बी मैं आपसे मॉर्निंग शो में शेयर करूँगी, कि मैं जिस नेबरहुड में रहती थी वहाँ की स्ट्रे डॉग ने एक यू नो इट शी वेंट अहेड एंड हैड 5 puppies एंड वी टुक केयर ऑफ इट एंड यू टोल्ड अस हाउ टू डू दैट। तो स्ट्रे एनिमल्स को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ज़बरदस्त नेकी है और यकीनन बहुत फुलफिलिंग भी है। इसी के साथ जी अपने मेहमानों को करते हैं शुक्रिया, बिरयानी खिलाए बगैर हम इनको नहीं भेजेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल, और यकीनन जब दोस्त साथ मिलकर बैठते हैं, ईद का मौका होता है, तो हम कहते हैं ना कोई बात करो खुशबू जैसी। थोड़ी देर पहले जो खुशबू का जिक्र हो रहा था, यकीनन वो पकवान की खुशबू थी। और इस वक्त अगर आप मेरे सेट पे होते तो ना सिर्फ इन बहुत ही खूबसूरत फूलों की वजह से बल्कि कुहासा की वजह से भी हमारा सेट महक रहा है। कुहासा क्या है हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जो नए मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है, आइए उनसे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। सबसे पहले जी, इन तीनों को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, दे ऑल डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन, और मैं अभी इनके बारे में कॉमनैलिटी सोच रही थी कि इन तीनों में कॉमन क्या है। सो आई थिंक विदाउट अ डाउट ऑल थ्री ऑफ देम आर चैम्पियंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्री है बात करने के लिए, लेकिन जब भी इनसे कुछ पूछो कि भाई आजकल क्या नया कर रहे हो, सो यू विल फाइंड आउट समथिंग एक्सट्रीमली एंटरप्राइजिंग। इसके अलावा अगर आप इन लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, देर आर ट्रूली इंस्पिरेशनल। यानी वाकई इस दौर में जब अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जी हम परेशान हैं, घर में बैठे हैं, बाहर नहीं जा सकते, यानी एक स्यापा नहीं कई स्यापे उनकी ज़िंदगी में, इनसे जब भी बात करो आपको यू विल गेट दिस डोज ऑफ मोटिवेशन। यू विल फाइंड out that life is amazing and there are so many opportunities, balki challenges koi bhi nahi hai. Sabse pehle ji, my very dear friend who is of course a PR guru, iske alawa wo entrepreneur bhi hain and he is full of life, hamare sath maujood hain Hasan Rizvi. Assalam alaikum Hasan. Wa alaikum assalam. Eid Mubarak to you. Eid Mubarak to you too. You're looking lovely. Thank you so much. And you know, प्रेजेंट कंपनी के सामने तो आप लोगों की बात ही ना करें ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस आर सुपर फ्लैटर्ड। इट्स अ वेरी बस ये मेरी तरफ से यही ईदी है और कुछ ना। थैंक यू आई एक्सेप्ट। अच्छा जी, और आप भी के साथ तशरीफ रखती है अनदर पर्सन हु हैज बीन डूइंग इंस्पिरेशनल वीडियोस ऑनलाइन, और इसके अलावा बड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग चीजें होती हैं। और मजेदार बात यह है कि जो इनका कोर है, व्हेन शी कम्स टू फॉर डिफेंस ट्रेनिंग, यानी सेल्फ डिफेंस के बारे में आपको बताती हैं, अपने आप को मजबूत कैसे करें, तो आप कहते हैं यार एक तरफ शी इज सो soft and she's so delicate and she has these amazing sensitive topics, और दूसरी तरफ इट्स ऑल अबाउट ओके हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो ये मेरे ख्याल में अपने आप में बहुत सारे रंग और अपने आप में बड़ी कंप्लीट पर्सनालिटी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अंसारी। कैसी हैं ज़ैनब? बिल्कुल ठीक, दैट वाज अ लवली इंट्रोडक्शन, थैंक यू। एंड यू लुक लवली माशाल्लाह। मुझे बताएं ईद के कपड़े बनाने का टाइम मिला या कुछ अपसाइकिल किया? I got lucky, there's a lot of multi-label stores out there, there's wonderful Eid collections, but
या अभी आजकल पेंडेमिक के अंदर तो देयर quite a bit of a tight string when you're going out shopping. Thank you so much. आपके साथ बैठे हैं जी हसन, आप ऑनलाइन शॉपिंग पे जाएं, आप जाएं kohasa.com पे. और इसके अलावा ड्रेस कोड को भी फिगर आउट करें, उसकी भी बड़ी जबरदस्त सेल लगी हुई थी. अच्छा, ये ऑनलाइन शॉपिंग इज द फ्यूचर नाउ. एब्सोल्युटली. और बड़ी जल्दी हमने अडॉप्ट किया है, जिस तरह के हम अच्छी चीजों को ले आते हैं और अगर कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, वाकई इस पेंडेमिक में पीपल हैव गॉन ऑनलाइन एंड दे हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म. लास्टली बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड अगेन, जिनके पास बहुत कुछ होता है अपडेट करने के लिए. एंड व्हाट आई लव अबाउट हर इज हर फन स्ट्रीक. जितना ये हार्ड वर्किंग है, उसी के साथ साथ ये बिलीव करती हैं इन हैविंग फन एंड हैविंग अ वेरी लाइवली यू नो आउटलुक टू लाइफ. तो हमारे साथ मौजूद है कवल मलिक. अस्सलाम वालेकुम कवल. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. एंड आई हैव नोन यू फॉर अ डेकेड नाउ एंड आई नो दैट यू हैव व्हाट वी हैव इन कॉमन. एब्सोल्युटली. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कवल की, अ वेरी गिफ्टेड म्यूजिशियन माशाल्लाह. शुरू में तो तुम सिर्फ अनप्लग्ड, यू वर जस्ट प्लेइंग अ पियानो और द बोर्ड, लेकिन जो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है कि नेवर अ डल मोमेंट ऑन योर सोशल मीडिया. बड़ा एंटरटेन करती हो यार तुम हमें. और आई एम मिसिंग आउट द अनप्लग सेशंस एट योर होम, बट एटलीस्ट सोशल मीडिया से कुछ आसरा है. दैट इज द ओनली वे वी कैन यू नो एक्सप्रेस एंड परफॉर्म, स्पेशली इन कोविड टाइम्स. बिल्कुल सही है, अपने स्पिरिट्स को हाई रखना चाहिए. बट कवर विद योर, इट्स नॉट जस्ट योर परफॉर्मेंसेस, इट्स ऑल द यू मेक अस लाफ, यू मेक अस एंजॉय विद यू, यू आर क्विर्की, यू आर फ्री स्पिरिटेड. I think it's very important to have people like that out there, especially after this pandemic. And she draws and she uses all of that to draw attention to very valid subjects. कभी कभार ये लोगों की फेंटी भी लगा रही होती बड़े प्यार प्यार से कि देखें जी ये हाल हुआ है, आप देखें ये पार्टी हो रही है. Whenever she's dartifying somebody on social media, I feel like she's talking to me. थोड़ा सा डर जाते हैं, but she is that you know power bank right there. लेकिन जी शुरू में हम जो बात कर रहे थे कि ये जो मेरा सेट भी महक रहा है और हम कोहासा का बार बार जिक्र कर रहे हैं, दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव बाय हसन. सो हसन मुझे बताओ, यू हैव ऑलवेज लुक शार्प, ड्रेस टू द टी, और अब जी तुम फ्रेग्रेंसेस भी ले आए हो, तो सो आई टेल यू व्हाट द फिलॉसफी बिहाइंड इज. आई फील लाइक व्हेनेवर यू हैव अ पैशन, जब आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया हमें, व्हेनेवर यू हैव अ पैशन फॉर समथिंग, आई फील लाइक सेंट इज समथिंग दैट वी इग्नोर. एंड कोई कमरे में दाखिल होता है, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज दैट प्रेजेंस दैट ही ब्रिंग्स विद विद हिज सेंट और हर सेंट. And if you go back, if you think about it, there'll be a scent that reminds you of your mom, a scent that reminds you of your kids, a scent that reminds you of someone you had a crush on, right? And those scents actually speak a lot. Bilkul. And I feel it's not talked about. I think beauty, may we talk about so many other things, skin and this and that, but scent is not talked about as much as I wanted to be talked about. Achha, I think it was Coco Chanel who said na ki a woman is incomplete without the perfume and the scent. Yani sabse zyada important cheez agar aapke samne $1 billion store ho aur aapke paas paise bhi unlimited ho, wo kehti hai aur kuch na uthana, fragrances utha lena, because that's your signature. That speaks of you. Absolutely. So with this ithers, we were so excited because we got all these scents and it was such a fun process. They put like hundreds of fragrances in front of us. बीच में कोविड भी हो गया तो स्मेल चला गया मेरा. सो वी गॉट अ ब्रेक देयर इन द मिडल, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली एक्सप्लोरिंग, सीइंग ऑल दीज परफ्यूम्स, दीज सेंट्स, टेस्टिंग इट विद द मार्केट, गेटिंग देयर फीडबैक. वी जस्ट लॉन्च दिस अ फ्यू वीक्स अगो ऑन द फर्स्ट ऑफ रमजान एक्चुअली, एंड द फीडबैक हैज बीन अमेजिंग. पीपल हैव सेंट अस वॉइस नोट्स, पीपल हैव सेंट अस टेस्टिमोनियल्स. वी विल पुट इट ऑल अप ऑन आवर सोशल मीडिया. But this is to all you guys. This is bringing beautiful fragrances to you guys. So you guys have to go check it out on kohasa.com. अच्छा मैं बताऊं कि दुनिया में आपको बहुत सारे ईद पे इजाफा भी गिफ्ट्स मिले होंगे, खासतौर पे अगर आपके दोस्त दूर हैं. I am most excited when I get a perfume. मुझे ऐसा लगता है कि picking a perfume for somebody is, you know, so much thought put into it. और अभी मैंने इसको वाकई ट्राई किया है और आपको मैं रेकमेंड भी करूँगी कि प्लीज़ चेक इट आउट, गो ऑन देयर वेबसाइट, यू नो ऑर्डर इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लव वंस. इट मेक्स अ ग्रेट गिफ्ट. And it comes in two variants. मेरे ख्याल में for men it's called Al Sultan and for women it's called Arke Jahan. और ख़ास तौर पर जब ऊद या इतर की बात की जाती है, यू आपके जहन में आता है यू नो ओकी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल, बट आई हैव जस्ट हैड अ चांस टू स्मेल अल सुल्तान और इसके अंदर एक बड़ी फ्रेश सी वाइब है. कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द अंडरटोन्स एंड द फ्रेग्रेंसेस? सो वी हैव डन लॉट्स ऑफ अंडरटोन्स. वी वांटेड टू कीप इट अ लिटिल लाइट, वी डिडंट वांट टू कीप इट टू स्ट्रॉन्ग, बिकॉज़ आई फील लाइक वो
बहुत स्ट्रॉन्ग भी थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाता है. एग्जैक्टली, ओवरपावरिंग हो जाता है. सो यू वांटेड टू कीप इट अ लिटिल लाइट बोथ फॉर मेन एंड फॉर वुमेन. सो यू कैन वेयर इट एनीवेयर, वेदर यू आर गोइंग टू अ शादी, वेदर यू आर गोइंग टू anything, right? Any outdoor. Actually, I even wear perfume when I go to bed, which is weird. I wear cologne before going to bed. It's a weird habit. But I think you should smell nice all the time. All the time. So I hope people... और अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं. देखिए, ख्वाब अच्छे आने चाहिए. जिंदगी वैसे ही काफ़ी डरावनी है और अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं. तो मुझे लगता है when you wear fragrance for yourself and when you feeling upbeat, तो यकीन है आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है. आपको बताती चलूँ, what I love is कि अरके जहाँ has rose undertones, which yes. people who know me know it's my ultimate favorite. तो हम इस पे बारे में भी बात करेंगे. देन हम आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? My favorite was this one called Miracle. Uh-huh. So that was yes. also light, but it had some spicy elements yeah, into yeah. it. I know what you're talking really about. Uh-huh. Yeah, yeah. Okay, well, I get that. I have yours. A couple. One yeah? is Femme, the other is Hummus, and an old one, Izumiyaki, which is yeah, very old. Classic. 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 Yeah. अच्छा, yeah. it tells a lot about your personality. और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो नाम होता है ना, वो भी बड़ा इम्पैक्ट करता है. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, येस दे मे लाइक द फ्रेगरेंस, लेकिन जो नाम होता है ना, अब जैसे इफ़ यू वॉन्ट दैट मेजेस्टिक किंगली फीलिंग, तो ये जी अल सुल्तान इज राइट देयर. फिर उसके अलावा अरके जहाँ. अच्छा जी, अब चलते हैं हम एक दफ़ा किचन की तरफ. पकवानों की भी तो खुशबू का जिक्र हो जाए ना. आपने तो चट कर लिया मीठा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. देखिए, आप लोगों के मीठा बनाया तो जो किचन में खड़ा हुआ काम कर रहा होता है गर्मी में, उसका भी तो दिल करता है ना. और फिर जब आपके पास ओरियो क्रम्स हो, हाथ कहाँ रुकता है? तो मुझे लगा कि आप कवर करेंगे, कहेंगे मैं मीठा चेक कर रही थी, चख रही थी. ना, बिल्कुल भी नहीं. इसलिए कि मैं दो प्याली खा चुकी हूँ. दो प्याली भाई, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, ताकि मैं जरा वहाँ पे जाके देखूँ और हमारे मेहमानों को भी कुछ खिलाया जाए. बिरयानी तो पहले वाले मेहमान खा के चले गए. बिरयानी है बस. अल्फ्रेडो पास्ता पे हाथ बहुत ज्यादा साफ किया गया और बिरयानी सेकंड चिप मैंने यहाँ पर लगाई है. जबरदस्त. बट मीठा उनको नहीं खिलाया. अच्छा जी, मीठे पे हाथ साफ हो रहा है, जो शेफ साहिबा खुद ही कर रही हैं. इसके अलावा पास्ता भी जा चुका है, तो मुझे ब्रेक लेना है, तो कि हम भी कुछ पेट पूजा कर लेना. आप हमारे साथ रहें, गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी. फर्स्ट डे ऑफ ईद विद आवर ईद स्पेशल, सो स्टे विद अस. वेलकम बैक जी. अच्छा, आज आपकी कॉल्स नहीं ले पा रहे, हमारी गुफ्तगू भी बड़ी फास्ट पेस चल रही है और यकीनन बहुत सारे लोग हैं, बातें भी हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे यकीनन आप हमें बता सकते हैं और ख़ास तौर पे हमसे शेयर कीजिए आपकी ईद की लुक्स. हम आपको इनक्रेज कर रहे हैं कि कोविड की SOPs को फॉलो करते हुए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए, प्लीज़ आपने गेट टुगेदर्स में नहीं जाना, लेकिन घर में आप अपने आप को ज़रूर तैयार करें ताकि लगे कि कोई फेस्टिवल है. और यकीनन जो भी आपकी ईद सेल्फीज़ हैं, हमें आप उसमें टैग कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू बी रीशेयरिंग that on Aaj Entertainment as well as Aaj News. और of course उसके लिए hashtag है Aaj Pakistan with Sidra Iqbal या फिर Aaj Pakistan Eid Special भी. ये दो hashtags है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और यकीनन आपके सवालात भी मैं पढ़ रही हूँ. सुबह सुबह हमने अपनी selfies भी डाली थी और हमारे जो मेहमान, हम BTS action भी थोड़ा आपके साथ शेयर कर रहे हैं. तो यकीनन ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे इस ईद को रंगीन बना रहे हैं, इसकी खुशियों को दुबाला कर रहे हैं. आई नो फॉर अ फैक्ट कि चीज़ें आसान नहीं हैं. हम सबकी ज़िंदगियाँ मुतासर हुई हैं, मुश्किल हो गई हैं, नए तरीके हमें अपनाने पड़ रहे हैं काम करने के, लेकिन ये अडैप्टिव पावर्स जो हमारे पास हैं, ये हमें बहुत हौसला देती हैं. कवल, आपकी तरफ आना चाहूँगी. मुझे बताएं कि आई एम श्योर वर्क गॉट अफेक्टेड और अभी भी आपकी रूटीन वैसी नहीं होगी. इस ईद में क्या मुख्तलिफ पाया तुमने? इस ईद में हम लोग जो थे, वी वांटेड टू हैव अ गेट टुगेदर, बट बिकॉज ऑफ द रीसेंट लॉकडाउन वी डिसाइडेड दैट वील जस्ट यू नो स्टे होम, वील मीट आर रिलेटिव्स लेटर ऑन, बिकॉज लॉकडाउन सिचुएशन थी. तो अदरवाइज उससे पहले हम लोग मिल रहे थे, यू नो वी मीटिंग एट इफ्तार्स एंड लेट यू नो सहरी meetups ho rahe the. I hope small groups and socially small distant groups and outdoors haan. You know haan. In the garden is tarah se. So we Achha, had a kya kahoge un logon ke liye jo itni zyada reminders ke bawajood bhi SOPs follow nahi karte aur agar kaho ki ye kare to bura maan jate hain. I have been advocating for the mask since the longest time. In fact Sidra, I don't know if you know this, but we have been testing for COVID also this whole last you know 7-8 months. So we've been testing and I've been seeing the reports and results, and I know that a lot of people jinhone mask nahi pehne the, they turned out positive 2 weeks later or 10 days later. Even if I used to
go places, तो मैं mask हमेशा पहनती थी. You know, once for a selfie आपने उतार लिया, but मैं घर आके सोचती थी, why did I do that? I should have continued with. अच्छा, कई लोग ये realize नहीं करते. मैंने जितने हमारे दोस्त हैं fraternity में, मैंने सबको हसन बहुत responsible देखा है. लेकिन obviously क्योंकि हम public facing हैं, हमारे काम भी ऐसा है. कोई अगर आपके पास आता है कभी तस्वीर के लिए, यानी आई वॉज देयर 23 मार्च की पाकिस्तान डे परेड पे, अब लोग इतने प्यार से आपसे मिलते हैं, तो देर इज़ अ पॉइंट वेर यू गिव इन. क्या करना चाहिए? यू आर अ पी आर पर्सन एज वेल, मुझे प्लीज़ एडवाइस करो कि अगर मैं किसी पब्लिक स्पेस पे हूँ, किसी ने मुझे पहचान लिया है, और अगर वो आपसे सेल्फी के लिए या तस्वीर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं क्या करूँ उस वक्त? I don't know. That's a tricky one. That's a tricky one. I don't know. I'd probably take the picture with my mask on. I wouldn't take off my mask, especially if it's someone I don't know. Like if it's a fan or someone again I don't know. I think I'd wear a mask and take a picture. और politely अगर मना करें तो अब लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, right? मानेंगे बुरा लेकिन. मानते हैं. Yeah, they, because again these are people who follow you, who love you, who think that it's their lucky year के they finally gotten to meet you or see you. And I think fans make celebrities. So it's very important for celebrities to give that due respect to them too. So that's a very tricky question. वैसे बताओ, मैंने उसका एक solution निकाला है, और उसका solution ये है कि I would love to go on Insta live with you. तो मैंने अपने fans के लिए, जो मेरे followers हैं, मैंने उनको एक date बताई है, खास तौर पे ईद के तीसरे दिन I'm going to come live. That's और lovely. और जितने लोग हैं वो मुझे request भेज सकते हैं to come live with me. And when we are split screen together, अपने अपने घर में, तो आप screenshot ले लें उसका, और आपकी मेरे साथ पक्की तस्वीर हो गई, है ना? और तैयार भी हो जाएंगे, आप भी अच्छे लगेंगे, मैं भी अच्छी लगूंगी. तो ज़ैना, मुझे लगता है हमें solutions निकालने पड़ेंगे. क्या कहती हो रिगार्डिंग दिस? इन्हें हमारी पूरी बिहेवियर, पूरी जिंदगियां तब्दील हुई हैं, तो जिस तरह काम करते थे वैसे करते रहे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. अभी अगेन क्योंकि आई फील लाइक एवरीबॉडी इज इन सच एन ऑकवर्ड स्टेज, यू कांट रियली से एनीथिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आई नो उनकी इंप्रूव हुई है जिंदगियां, वो एक्चुअली मेडिसिन के फील्ड में थे या कुछ ऐसी फील्ड में थे. Their lives had improved, but then there's a whole set of other people whose lives completely changed. Then what do you miss? तुम सबसे ज्यादा जो कोविड से पहले वाली ईद होती थी उसका क्या मिस करती हो, जो तुम्हें लग रहा है कि यार आज खास तौर पे लग रहा है कि इस चीज़ की कमी है? नॉट मीटिंग पीपल द सेम वे वी यूज्ड टू, वही वाली चीज़ है. आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू वेट फॉर. ईद ही मिलती थी एज अ चाइल्ड. आप बड़ों से मिलते थे. कल्चरली हम बहुत, हमारी शादियाँ बहुत बड़ी होती हैं, हमारी मेहंदियाँ बहुत बड़ी होती हैं, हमारे हर चीज हमारा खत्म बहुत बड़ा होता है. एवरीथिंग इज एनर्जी इनसाइड देसी गैदरिंग. वो कहते हैं ना, बिग बिग फैट ग्रीक वेडिंग, वी हैव द बिग फैट पाकिस्तानी लाइफस्टाइल. हम हर चीज में बड़े, तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं. ग्रीक इज लाइक 200 पीपल वेडिंग. 200 पीपल वेडिंग तो नहीं होती है, राइट? तो मुलाकात वगैरह आप कुछ कर नहीं सकते. वो जो होता था कि ईद पे आप खीर भी बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं. You know that people will come and it's a whole thing. Wo sara... We used to look forward to meeting our relatives, our cousins, you know, families coming in. Pura din, subah se raat tak, from your uncles and aunts and, you know, all of them. But on that note, I think it's very important, like what you said earlier, for all of us to keep that happy vibe going. Whether it's through television or through our social media, making people laugh, making people feel, just say, Sidra just said that, you know, dress up on Eid and take a picture and share it. लेकिन मुझे पता है हसन, तुमसे स्पेशली टिप्स लेनी थी कि मैंने देखा कि तुम अपनी फिटनेस को लेके बहुत रेजिमेंटेड रहे हो, बहुत डिसिप्लिन रहे हो. मैंने कोशिश की एंड यू नो आई थिंक आई डिड माई बिट, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इधर उधर स्लिप हो जाती हूँ. व्हाट कीप्स यू सो मोटिवेटेड? और हमें भी टिप्स दो यार, हम भी थोड़ा रेगुलर होना चाहते हैं इस चीज़. Can I tell you, if you decide you want to do something, just today someone was telling me कि I don't have time to socialize because I work so much. I work 14 hours a day, so no one can say that you work so much and you can't socialize. If you make slots in your life ke yaar mujhe bachcho ko time dena hai, mujhe maa baap ko time dena hai, mujhe apne aap ko time dena hai, if you work like that you will always make time. Absolutely. You just have to make the time. So and the thing is, I think hamare dimagon mein dala gaya hai ke you have to do it at this time. Work out in the morning. No. Don't work out in the morning if it doesn't work for you. Bilkul. You get done from your shoot at God knows what time. आप रात में जाके वर्कआउट कर लें, घर पे एक मैट पे वर्कआउट कर लें. तुम्हारी बात से मुझे याद है, मेरे पुराने जिम पे एक बड़ी सी सेइंग लगी होती थी जिसमें लिखा था कि आई डोंट हैव टाइम टू वर्कआउट, आई विल मेक टाइम टू वर्कआउट. इन आइदर केसेस यू आर राइट.
इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए जो एक्सक्यूज वर्क करता है. सो मेक लाइफ ईजी. अच्छा जी, एक और चीज़ जो हमारी जिंदगियों को बहुत आसान बनाती है इज ईजी कलर. वन नेशन आपके सामने है, मेक्स थिंग्स ईजी. और इनकी तरफ से ये ज़बरदस्त हेयर केयर पैक्स भी हैं जो हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे, उनके लिए एज अ गिफ्ट हमारे साथ मौजूद हैं. इसके अलावा जैसे कि इन्होंने प्रॉमिस किया था, मीठा तैयार हो गया है आपको. वैसे आपने लिया था ना ये ईजी कलर वाला ड्यूरिंग रमजान? बिल्कुल. कैसा रिजल्ट आपको इसके मास्क का और इसके सिरम का लगा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. और वो वाली बात है कि वाकई वन कलर, अगर मैं कोई डिफरेंट कलर यूज कर रही थी तो इतना मुझे वो फर्क नहीं लगा एंड बहुत अच्छा रिजल्ट रहा. यानी हमारी स्किन टोन्स पे बड़ा मैच करता है. इसके अलावा जो हमने पहले आपको दिखाया था कि गिफ्ट पैक के अंदर मौजूद है एक हेयर सिरम, इसके अलावा हेयर मास्क एंड ऑफकोर्स अ कलर एंड द कलर डिवेलपर. अच्छा जी, आप बताइए, बिरयानी और आपने कहा कि पास्ता पे हाथ साफ हुआ है, लेकिन मीठा इज ऑल रेडी? जी बिल्कुल, मीठा बिल्कुल रेडी है. सबको पता है कि ओरियो दुनिया का नंबर वन बिस्किट है, लेकिन इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है ओरियो क्रम्स. ओरियो क्रम्स का फ़ायदा क्या हुआ है, मीठा बनाना, डिज़र्ट बनाना बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटी हो गई है. हाँ. तो आप सब भी लाइए प्ले विद ओरियो और अपना मीठा बनाइए, बहुत ही मज़ेदार. आई नो वन पर्सन ओवर देयर हु वुड लव दिस. कमल, मुझे पता है तुम्हें चीज़ केक बहुत पसंद है, दिस विल मेक परफेक्ट बेस फॉर चीज़ केक. हाँ, तो कब बुला रही हो या कब भिजवा रही हो? ये बताओ जरा. कल, बिल्कुल कल. हम ये आपको अभी देते हैं, आप हमें बना के खिलाएं. दैट इज व्हाई यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड सिद्रा, यू नीड टू ऑल्सो ज़िप योर माउथ. नो नो, प्लीज इनवाइट मी ऑल्सो. ईद पे हम खा रहे हैं, मीठी मीठी बातें हो रही है, चीज़ केक रेडी हो जाएगा, कमल हमें बना के भी भेज देंगी. कमल, वी आर टेकिंग योर प्रॉमिस ऑन दैट. लेकिन एक और चीज़ जो मैंने कमल से रिक्वेस्ट करनी है इज ऑफ कोर्स फॉर हर टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस. शी इज सो टैलेंटेड और हमें इतना यू नो एंटरटेन भी करती हैं, इंस्पायर भी करती हैं. बट फॉर दैट यू हैव टू वेट. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल और यकीनन आई एम वेटिंग फॉर योर ईद लुक्स. देयर इज नथिंग एज ओवर द टॉप, स्पेशली जब ईद की बात करते हैं तो ब्रिंग आउट द बैंगल्स, द झुमकास, द रिंग्स एंड एवरीथिंग. और ख़ास तौर पर मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी जो एक्सेसरीज हैं, दिस इज़ बाय हाउस ऑफ स्टाइल बाय बिस्मा बदर. आप थ्रू आउट इनकी ज्वेलरी और इनकी जो मुख्तलिफ एडॉर्नमेंट्स हैं पसंद करते रहे हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान. यू कैन फाइंड हर, शी इज़ टैग्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द पिक्चर्स ऑन माई सोशल मीडिया. और आज ख़ास तौर पर जो मेरा ईद के पहले दिन का जोड़ा है, दिस इज़ बाई फरा तालिब अज़ीज़. और यकीनन अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आई एम लुकिंग आउट, आई एम लिटरली फेचिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स नाउ. मेरी तस्वीरें देखें और उसके बाद उसमें बताएं आपको ये कपड़े कैसे लगें. लेकिन जी मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे यू नो तुम्हें देख के कभी कभी हसन वो कंग्लोमरेट्स याद आती हैं जो खुद कफील होना चाहती हैं. कपड़े भी अपने, फ्रेगरेंस भी अपनी, पी आर कंपनी भी अपनी. अब क्या रह गया भाई? बहुत चीज़ें रहती हैं. अब कुछ खाने पीने का भी इंतजाम will do inshallah. Ha. Including production, we will even do a movie. Zabardast. We'll do lots of things. Lekin mujhe batao ke for people who have felt a little down aur unka kaam suffer kiya hai. Dekho, ek hota hai ki jo is tarah aap zindagi ko jante ho, jo kaam aap kar rahe ho, usme agar tabdili aaye, so people feel very demotivated. I want you to give them koi aisa tareeka jisse you can pick yourself up. Tum bhi to kitni cheeze karte hoge, usme failure bhi aata hai, usme problems bhi aati hain. Absolutely. What keeps you going, Hasan? So I'll tell you some success stories and I hope that gives some people some inspiration. A lot of my friends who were into restaurant business, they started doing takeaways, they started doing delivery. A lot of my friends who were into salons, they started doing their home services. Huh. They did their cosmetic lines. I think people have innovated. So I think it goes to show okay, where there's a will, there's a way. Absolutely. So guys, have a will. That's the one thing I will tell you, and inshallah, of course, Allah Mia will show you the way. अच्छा, अंग्रेज़ी में एक कहावत है जिसको लूजली अगर उर्दू में हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक दर या एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह आपके लिए एक और रास्ता ज़रूर खोलते हैं. Absolutely. So often, Hasan, we spend so long, हम इतनी देर तक वो बंद दरवाजे को देखते रहते हैं कि दूसरे जो दरवाजे खुले हैं हमने उसको नोटिस नहीं किया. Absolutely. होता. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके रडार्स ऑन हों और आप हर मुश्किल में छुपी हुई जो अपॉर्चुनिटी उसको देखें. ज़ैनब, आप कुछ कहेंगी इसी बारे में? इसके बारे में आई फील लाइक पीपल, ये एक मौका है हमारे पास जब लॉकडाउन होती है टू एक्चुअली डिस्कवर व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैपेबल ऑफ. यस, अ पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा जो हुआ था 15 इयर्स अगो, आई स्टॉप पेंटिंग एंड लॉकडाउन हुआ एंड सडनली आपके पास इतना वक्त है एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग एंड नाउ फॉर द लास्ट वन ईयर
जहाँ मैं सेल्फ डिफेंस का अपने एनजीओ सेटअप सारी चीजें की थी एंड सडनली आई एम पेंटिंग आई एम एन आर्टिस्ट इट्स लाइक अ कंप्लीट चेंज सो यू शुड रियली माशाल्लाह गुड फॉर यू गुड फॉर यू अच्छा अ लॉट ऑफ द पीपल आई नो वो अपने क्रिएटिव ग्रूव में चले गए जब आप देखें कोई नया आइडिया यू बर्थ एन आइडिया यू पुट इट इन एक्शन तो यकीनन यू आर इन योर क्रिएटिव एलिमेंट तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि इस कोविड ने जहाँ आपके लिए मुश्किलें की हैं आपको एक अपने नए तरीके से एक नए जाविये से भी मिलवाया है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कवल योर मैसेज एंड इफ आई request you for a song as well jo bhi kaho uske baad gunbunana must hai ke during the lockdown last year bilkul jab march april tha when it was just beyond our comprehension ke what happened so I created a whatsapp group with 200 women and it was called live laugh love so in that group we started sharing our cooking and recipes and everything and from that group I compiled a lockdown cookbook और उस शिविर शर्मिला एंड वी हैड ओवर 40 रेसिपीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड देन वी पब्लिश द कुक बुक एज वेल कवल ऑन अ लाइटर नोट बताओ उसमें चिकन थी या फिश थी सच सच बताना दोनों थे दोनों थे आई जस्ट गॉट द जोक अच्छा जी मैंने भी उसको बहुत तंग किया अच्छा जी गाना सुना दो इससे पहले कि हमें ब्रेक लेना पड़े भाई और दूसरी चीज ये कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन ओनली आई वाज अप्रोच्ड बाय Bilal Maqsood and his team and I was part of Velo Sound Station which was out of the blue because singing is a hobby for me. Yes. I've been in business, I've been in social work, I do lot of commodities trading as well. Aur maine kafi logon ko mentor bhi kiya during the lockdown. So I helped them learn financial markets and how to make use of their money so they I did mentor a lot of people that's super wo meri cheez bahar aayi woman of many talents of course thank you so much for sharing all that and being an inspiration aur bahut bahut shukriya zainab aapke bhi yahan hone ka hasan aapke bhi yahan hone ka salma ji for always making such amazing recipes for us hamare paas waqt itna hi hai waqt bada tezi se chala jata hai aur uske baad hamare agle mehman bhi hamara intezar kar rahe hain to kaval agar kuch do line gunguna do aur usi ke sath hum break ki taraf badhe theek hai only for you ji नाज़िया हसन का दिल की लगी फॉर एवर फेवरेट आई हैवंट सैंग इन द लॉन्गेस्ट टाइम सो लेट मी गिव इट अ ट्राई दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे सुपर्ब एंड आई थिंक ऑन दैट नोट हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा कलर्स एंड फ्लेवर्स चेंज होंगे नए मेहमान हमारे साथ होंगे और थोड़ा सियासी रंग भी हम देखेंगे कि सियासी मैदान में कोविड वाली ईद कैसी मनाई जा रही है और ख़ास तौर पर उनके यहाँ ईद में क्या पकवान बन रहे हैं क्या सोच रहे हैं जो यूजुअल सरगर्मियाँ होती हैं वो तो मुतासर हुई हैं सो ऑल ऑफ दैट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल और ईद क्या पाकिस्तान में कोई भी काम सियासी रंग के बगैर नहीं होता चाहे हम कोविड की बात करें सियासत का रंग आ ही जाता है और यकीनन हर मसाइल का जमहूरी हल भी ज़रूरी है तो आइए ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं मशहूर सियासतदान समाजी कारकुन और कराची के अपने यानी फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी अहलिया भी यानी अफशां भाभी भी हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक वालेकुम अस्सलाम आपको आपके तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक हो देख लें हमने कितना एसओपीज का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम ईद मना रहे हैं लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे आप बताएं कराची में बल्कि मुल्क भर में बार बार कहा जा रहा है फारूक भाई फिर भी लोग इतनी बद एहतियाती क्यों कर रहे हैं तमाम अमराज से अगर बचा जाए और उसके लिए कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी तो हर मर्ज़ के लिए एहतियात ज़रूरी है ताकि मर्ज़ हो ही ना और उसके ऊपर जो अखराजात लगते हैं कौम के भी और अफराद के भी वो ना लगे और ये मर्ज़ तो है ही ऐसा कमबख्त कोविड के जिसके लिए एहतियात ही के ज़रिए से जो इसका मुकाबला किया जा सकता है बिल्कुल सही तो उसमें अगर हम ये बद एहतियाती करें और बिलावजह की बहादुरी का मुजाहरा करें तो मेरे ख़्याल में ये हम खुद मौका देंगे बड़ी कीमती जाने ज़ाया हो जाएंगी और हो रही हैं और जो हमने अपने अतराफ़ में देखा पड़ोसी ममालिक में देखा और फिर
रमज़ान में हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बना है। अच्छा फारूक भाई, जिस तरह हम कहते हैं कि वबा और ख़ासतौर पर पेंडेमिक में है, तो ये तो बुरा वाला कंटेजियस है, ये मोहलिक बीमारी है जो लग जाती है यकीनन, लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत कंटेजियस है और पॉजिटिवली कंटेजियस है वो है कंपैशन और एहसास मंदी। अगर आप लोगों का एहसास करें और किसी अच्छी किसी नेक इनिशिएटिव को देखें तो हम भी इंस्पायर होते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स होंगे, रमज़ान कैसा गुजरा आपसे जानना चाहेंगे, ईद में क्या मसरूफियत है? मेरे ख़्याल में मैं वैसे तो बिलुमूम पाकिस्तानी कौम के लिए और बिलखसूस अहलियान कराची को उनकी फराख दिली, फिलंथ्रॉपी, उनके फलाई काम, पूरी दुनिया में अमेरिका के बड़े शहरों के बाद कराची इज़ वन सिटी विच हैज़ मेड इट्स आइडेंटिटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कराची की शनाख्त है, और वजह तौर पर अब हम कराची वालों को अहलियान कराची ना कहें, फराख दिलाने कराची। वेरी नाइस। क्योंकि वो इफ्तार हो, सहरी हो, राशन की तकसीम हो, वो कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो मतलब ये किसी चीज़ से घबराने वाले नहीं है, मायूस होने वाले नहीं है, पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं, हर चैलेंज की आंखों में आंखें डाल कर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और आशा भाभी, आप हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, बस तेरा नाम लिया और कूद पड़े पानी। तो ये जज्बा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भाभी, आप क्या कहेंगी, बहुत सारी खवातीन तो यही कह रही हैं कि भाई मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, बाल बनाऊँ किसके लिए, ना कोई ईद की गेट टुगेदर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, स्मार्ट लॉकडाउन भी है, आपके लिए ये ईद कितनी मुख्तलिफ है? हम लोग के लिए भी लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, घर पे थे, शिरकुरमा बनाया था, फैमिली के कुछ लोग आ गए थे, और वैसे जैसे हर साल होता था उस तरह से तो नहीं हो सका, बहुत कम लोग ही आए थे ईद मिलने के लिए, हमारे के फारूक के मामू मामी और मेरी फैमिली के एक दो लोग और कुछ फ्रेंड्स में से। तो बस अच्छी बात है कि सिंप्लिसिटी सीख रहे हैं लोग, और इस तरह ही ईद मनानी चाहिए सादगी से, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं, सादगी अपनाएं। तो मेरे ख्याल से कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को ना जी, पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें सीख ली लोगों ने, तो अब मेरे ख्याल से उसको ही फॉलो करना चाहिए। नया सूट नहीं लिया, पुराना एक पड़ा हुआ था गिफ्ट में आया हुआ। बस आपने सारी सिंपलिसिटी यहीं पे आपने बता दी कि भाई पहन के जाना किधर है, कौन सी तैयारी है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। बस इनकी मैचिंग है, 4-5 सूट मेरे पास है, वही रिपीट मैं करती हूं, कहते हैं वो है ना तुम रहना तो वही वाला निकाल लो। लेकिन आप लोगों ने बड़ी जबरदस्त मैचिंग की हुई, ये सोच समझ, ये आप लोग हर इवेंट पे इसी तरह कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कभी डिसाइड करते हैं, फिर हमने ये सोचा कि कुछ चीज़ तो मैच करनी चाहिए। कुछ चीज़ तो मैच करनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें ना करें तो कुछ चीज़ें तो करें। जब दिल मैच करते हैं तो दूसरी चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं होती। क्या बात है, देखिए ये होता है एक रोमांटिक बंदा जो इस तरह के माहौल में भी एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेता है। छक्का मार दिया वैसे भाभी ने, शारजा वाला छक्का। लेकिन फारूक भाई आप बताइए कि ईद में जैसे भाभी ने कहा कि खवातीन की मसरूफियत नहीं ख़त्म होती, उन्होंने फिर भी शीरकुरमा बनाया, मर्द हजरात क्या कर रहे हैं लॉकडाउन के बहाने से आराम फरमाया जाए? शीरकुरमा ये बनाती हम खाते हैं। अब कौन खाएगा जब इतने मेहमान ही ना आए, तो फिर दायरे के सारा ही हमें खाना है। वैसे आपस की बात है, काफ़ी मैंने केपी में तो झगड़ा देखा था कि लोगों ने बाकायदा एमपीज़ होने मिनिस्टर्स होने के बावजूद भी बड़े रेस्टोरेंट्स खुलवाए इफ्तार पार्टी की, तो जिनकी आप रेगुलरली इफ्तार पार्टी करते तो उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया कि भाई हमारी दावत होनी चाहिए? कराची में कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ कि जो बड़े इफ्तार सियासी होते थे वो 2 सालों से नहीं करे, लेकिन ज़ाहिर है कि हम एक जगह टिक के तो रह नहीं सकते। सही। तो जो सड़कों पर रोड इफ्तार बहुत मशहूर हुए, जगह जगह आप जाएंगे, अच्छा उसमें से मुस्तहकीन और ज़रूरतमंद ही नहीं, मजदूर तबका ही नहीं बल्कि आने जाने वाले भी अब आराम से अपने दफ्तर और दुकान से घर जा रहे होते हैं कि अगर घर पे ना खोला तो कहीं ना कहीं रास्ते में खोल लेंगे। बिल्कुल। और काम और उसी तरह एक बेहतर इफ्तार हर जगह जो है वो दस्तियाब, और जो कराची के नौजवानों ने ख़ास तौर पर यह एहतमाम किया है, मैं उन सब बच्चों को नौजवानों को सलाम तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने जिस तरह ऑर्गेनाइज़ किया, जिस इन्हमा के साथ, जिस दिल जमई के साथ, तो लगता था कि ये वो जज्बा है जिसने पाकिस्तान कायम किया था। अब हम आ गए ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट लाइन। ओन कराची विल ओन पाकिस्तान। बिल्कुल सही। व्हाइल वी सेव एंड मेक कराची विल सेव एंड मेक पाकिस्तान। लेकिन ये बात तो है कि जहां हम इस नए दौर की इस मुनफरद लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किए हुए हैं और कहीं ना कहीं हमने इससे समझौता कर लिया है। अच्छा भाभी, याद तो आती है 2 साल पहले वाली ईद में, सबसे ज्यादा आप किस चीज़ को मिस करती हैं? सबसे ज़्यादा तो अपने बच्चों को मिस करते हैं क्योंकि बच्चे हमारे साथ नहीं होते हैं, वो US में सेटल्ड हैं दोनों बच्चे ना। तो 2 साल हो गए आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, अभी आए थे थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन ईद बकरीद हमने उनसे काफ़ी सालों से नहीं हुई है साथ में उनके ना, तो बच्चों को तो वो सबसे ज़्यादा बच्चों को मिस किया, रमज़ान में मिस किया। लेकिन ये है कि उसके
आप समझ लें कि उसके अल्टरनेट में हमारी जो कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अटैचमेंट उनसे हम लोगों की बहुत अच्छी अटैचमेंट है, तो हम उनके यहाँ चले गए थे क्योंकि उन्होंने किसी और को नहीं इन्वाइट किया था, सिर्फ हम लोगों को ही इन्वाइट किया था। तो SOPs को फॉलो करते हुए उन्होंने घर पर गेट टुगेदर रखी थी, उनकी फैमिली के लोग थे और हम लोग थे। देखिए फारूक भाई, एक बात है, जब हम देखते थे वो दो साल पहले रमज़ान में और इसके अलावा ईद मिलन पार्टीज़ में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग एक साथ हो जाते थे और जो भी नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात थे वो बालाए ताक रख देते थे, उसको हम मिस करते हैं। और अब ऐसा लगता है कि ऑप्टिकल दूरी के साथ साथ वो जो ख्यालात में दूरी और खलीज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, वो कैसे कम होगा? लोग पहले तो कह रहे थे कि जी रमज़ान में फिर भी कुछ मेरे ख्याल में सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी इख्तलाफात को इस तरह मंजर-ए-आम पे वो नहीं आए, लेकिन आप सियासी मंजरनामा किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? सियासी लोगों इस चीज़ में तो बड़े वो माहिर होते हैं कि कहीं ना कहीं से रास्ता पानी की तरह है कि भाई अगर सामने कोई दीवार भी आ गई तो साइड से कहीं से जान। तो ख़त्मुल कुरान में हाज़िरी हमारी बहुत बढ़ गई है, सही, जो तरावियाँ ख़त्म हो रही हैं तो मुख्तलिफ दिनों में, और वहाँ ये सारे सियासी लोग भी मौजूद होते हैं, वहाँ भी SOPs खासी हद तक तो फॉलो हुई, कहीं कंप्रोमाइज़ भी हुई, तो लोगों को बताने का भी मौका मिलता है कि भाई ये कितना ज़रूरी है, सही, और इसमें ज़िंदगी एक सबसे बड़ी नेमत है और एक बार मिलती है, बिल्कुल। हम अपना भी ख्याल रखते हैं और हम असल में दूसरों की ज़िंदगियों की भी तो ज़मानत देते हैं ना, जब हम ये मास्क लगाते हैं और ये हमें फॉलो करते हैं। तो वहाँ मुलाकातें रहीं सियासी लोगों से भी, उलमाए दीन से भी, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे ताजिर, सनतकार, यानी हर तबके का, यहाँ तक कि फनकार भी ख़त्मुल कुरान में आ जाते हैं। अच्छा, एक एक दिन के लिए लोग पहले बात कर रहे होते थे कि ईद दिन, ईद की जो छुट्टियाँ हैं वो 3 रोज़ की होनी चाहिए या 2 रोज़ की होनी चाहिए। शुरू में लोग एफिशिएंसी के लिए कहते थे कि कम से कम छुट्टियाँ हों, लेकिन अब ऐसा लगता है किसी ने कोई ख़ास दुआ की थी, और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो ना इम्तहानात की बारी आ रही है ना स्कूल की बारी आ रही है, उससे हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ा है? और तालीमी सरगर्मियों को लेकर ख़वातीन क्या सोचती है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या रौनक थी जी ईद की छुट्टियों का, हम इंतज़ार करते थे और यकीनन रमज़ान से पहले ही, डिपेंडिंग ऑन के व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इट वाज, हमारे स्कूल के टाइम में तो एग्ज़ाम्स डिले हो जाते थे, होमवर्क भी नहीं मिलता था, और ईद की छुट्टी उससे पहले या तो या उसके फ़ौरन बाद फिर ईद मिलन पार्टी का होना। अब सारे बच्चे इन चीज़ों को तरस चुके हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन भी, जो पहले खुशी थी बच्चों की छुट्टियों की कि चलें उनके लिए कुछ ख़ास अहतमाम होगा, उनकी पसंद के खाने बनाए जाएंगे, अब तो ये साल भर से ज़्यादा लंबी छुट्टियाँ हो गई हैं, अब पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और सब घर वाले थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे वापस चले जाएं। लेकिन इस दफ़ा ईद की रूटीन में इसकी वजह से क्या फ़र्क आया है, लेट्स फाइंड आउट। अफशा भाभी, आपकी रूटीन क्या होती थी कोविड से पहले वाली ईद में, और क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? हाँ, कोविड से पहले वाली ईद में तो ये होता था कि एक तो सुबह उठ के शीरकुरमा तो बनता ही बनता है, वो आज भी बनाया सारा शीरकुरमा, और वो ज़रा डिफरेंट तरीके से होता है तो वो सबको बहुत पसंद आता है, स्पेशली इनको बहुत पसंद है, तो वो ज़्यादा मीठा, कम मीठा, कम मीठा होता है, कम मीठा होता है, उसमें सेवैयाँ कम होती हैं, उसमें थोड़ा सा मेवा ज़्यादा और मिल्क ज़्यादा होता है, लेकिन सेवैयाँ थोड़ी सी होती हैं उसमें, तो वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बनता है। फिर ये कि लोग ज़्यादा आते थे, अब लोग कम हो गए हैं, तो पहले बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता था मुझे, इतना बड़ा पतीला चढ़ा दी थी, लेकिन अब थोड़ा सा ही बन रहा है क्योंकि अब इतने लोग आने जाना इतना है नहीं लोगों का, तो जो है वो फिर ज़्यादा इनको ही खाना पड़ रहा है, इनको पसंद भी है। तो फारूक भाई ने कंफर्म कर दिया कि कपड़े, उन्होंने कहा कि वो जो रखे हुए हैं बहुत खूबसूरत हैं, मैच भी करते हैं, वही पहन लो। ईदी के मामले में क्या हुआ, ईदी मिली आपको या वो भी नहीं मिली? नहीं नहीं, ईदी तो मिलती है मुझे, हाँ मुझे और बच्चों को 10,000 देते हैं, 10,000 मेरी ईदी होती है, फिर बच्चों की मैं एक एक जोड़ा दोनों का लेके पार्सल करती हूँ, तो बस ये होती, इसकी मुझे खुशी ज़्यादा होती है जब मैं बच्चों के लिए कुछ ले रही हूँ। वो अमाउंट डिक्लेयर किया है कि नैप वैप को भी पता हो कि बस इतनी मिलती है? फारूक भाई नहीं, नैप तो स्कैन कर ले, MRI कर ले, कुछ भी कर ले, इतने ही निकलेंगे, कुछ पल्ले होगा तो निकलेगा। वो भी अब थोड़ी सी बढ़ गई है, वरना तो 5 मिलते थे, लेकिन अब थोड़ी सी बढ़ गई है। तो फारूक भाई, आपको ईदी मिलती है कहीं से? ससुराल से। हाँ, ससुराल से मिलती है, और अब तो हम ही बड़े हो रहे हैं, मतलब पूरे खानदान में, तो ये बोझ तो अब हमें ही उठाना है, इस लेगेसी को आगे बढ़ाना है। और अब देखें, लोग छुपा भी नहीं सकते, जिस जिसने कोविड की वैक्सीन लगा ली है उसने अपनी उम्र डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद ईदी देने वालों में है या लेने वालों में अब बड़ी क्लैरिटी आ गई है। लेकिन 90 की ईदी याद आती है यार, जाहिर जो अच्छी चीज़ें हैं, तो अमीरी हैं,
जो अच्छे काम हुए वो क्यों हम अपनी हिस्ट्री से उसको डिलीट का ऑप्शन तो नहीं है। फैभी भाई कैसी होती थी वो ईदी और उसमें उसका जरा बताएं ना, उसमें याद करें उसको। हम आज भी ईद के पहले रोज़ ज़ाहिर के शहीदों के यहाँ जाना, उनकी फैमिली से मिलना, उनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हमारे गम सब एक हैं, और उनको याद करना, वो जिस तरह हमारे साथ काम करते थे, एक हमारा मिशन है जिसको पैशनेटली हमने परस्यू किया दिल और जान से, तो जाहिर है कि फिर उन साथियों को नहीं भूल सकते, उनके अहले खाना करें, लापता जो साथी हैं उनके घरों पे जाना, उनसे मिलना, तो ये रूटीन तो आज भी है। लेकिन वो 90 का विजिट नहीं है, और फिर वो जो ईदी ऊपर से मिलती थी पूरे साल भर डांट पड़ती थी, एक दिन ईदी मिलती थी वो भी अगलों ने जो है उससे महरूम कर दिया। पर भाई मुझे बताएं कि जो आप रबतों की और नातों की बात कर रहे हैं, इस दफ़ा हम भी यही थीम लेके चल रहे हैं, ईद एहसास, और यकीनन ये हंसी खुशी और लाइट हार्टेड गुफ्तगू तो यहाँ पे हो रही है, लेकिन पिछला महीना और उससे पहले के कई महीने और हफ्ते कई लोगों के लिए बड़े मुश्किल भी गुजरे हैं, तो जहाँ हमने रमज़ान के महीने में उनका एहसास किया है, आप क्या चाहेंगे कि आने वाले हफ़्तों में दिनों में जहाँ खुदा न खासा अगर नंबर्स ऊपर जाते हैं और ये वेव्स इसी तरह आती जाती रहती हैं, हमें क्या करना चाहिए, वॉट कैन वी डू टू मेक देयर लाइव बेटर? अगर ये हम समझ लें कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि हमें जितनी और ज़िंदगियों का हम ख्याल कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ये हमारे पैदाइश के मकसद में है ही, एक दर्दमंद दिल होना और रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। अगर वो इंसानियत का एहतराम नहीं किसी मज़हब मसलक किसी कौम किसी तबके में, तो मैं समझता ना वो मज़हब है ना मसलक है ना वो कौम है ना वो तबका है ना वो कम्युनिटी है। तो एहसास यही है कि हम दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो जो हमारा हमारी फैमिली का वक्त है उसके बाद जो वक्त हमें देना चाहिए वो लोगों के लिए वक्त करना चाहिए, उनकी मयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए खुशियाँ बाँटें, उनके अगर माली मसाइल हैं तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा बड़ा टफ भी लगता है, ऐसा लगता है कि एक वक्त में आप दो किश्तियों में सवार हैं, जहां आप ज़िंदगी को नॉर्मल रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, इसमें जो मुश्किलात और चैलेंजेस हैं कि अपने ऊपर तारी ना कर लें, जिंदा दिल रहें, लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत से भी इनकार आप नहीं कर सकते कि कई लोगों के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, यानी यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ हम नए कपड़ों की खुशियों की और एक दूसरे से मिलने मिलाने की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोगों के लिए ये वो ईद होगी, पहली ईद होगी जब वो अपने प्यारों के साथ नहीं, और इन प्यारों को इसी वबा की वजह से उन्होंने खोया है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये नंबर काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक शख्स भी उससे जुड़े हुए जितने खानदान जितने लोग होते हैं उन सब का दुख हमारे लिए भी यकीनन सांझा है। और भाई क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो पहली ईद मना रहे हैं अपने प्यारों के बगैर, क्योंकि आपने जिस तरह कहा ये लेगेसी भी है, एक हमारा तरीका भी है कि उनसे जाके मिलना, उनको दिलासा देना, मतलब वैसे किसी मकसद के लिए जान दी हो किसी ने, जाहिर उनका भी एहसास करना, उनकी फैमिली का, फिर जाहिर है कि ये पूरी दुनिया को चैलेंज लाक है ना जी, तो उसमें जो हमारे बहुत सारे जानने वाले और वैसे भी जो बिछड़ गए तो उनको भी कंसोल करना, और हम यहाँ पर भी जो लाइटर या हल्की गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी इसीलिए कि लाइफ गोज ऑन और गम बांट हमें गम बांटें, हम उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं, और वो मिलके उनको खराज अकीदत पेश करें, उन्हें सल्यूट करें, उन्हें सलाम तहसीन पेश करें, और जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे खास तौर पर डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सिस थी, उन्होंने तो शुरू में जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, तो उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए, ज़िंदा कौमें तो वही होती हैं जो अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की कुर्बानियों को याद रखती हैं। अच्छा वैसे ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ना सिर्फ उनके यानी जो कोविड अफेक्टीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली में भी कोई डॉक्टर है, हेल्थ केयर वर्कर है, आप ज़्यादा ख्याल रखें उनका, वो ईदी के वाकई मुस्तहक हैं और वो हमारे खराज तहसीन के भी मुस्तहक हैं। मुख्तलिफ हमने देखा कि प्रोग्राम्स हुए, चाहे ऑल द वे फ्राम द 23rd मार्च की पाकिस्तान डे परेड देख लें, हमारे सरबराहान की यानी प्रेजिडेंट साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो खिताब हैं उसमें भी जो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, हम यकीन भी नहीं कर सकते, हम उस यू नो उस फियर से उस मुश्किल को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अपने घर वालों को छोड़कर
अपने मरीज़ों का ख्याल रखना, ऐसी मोहलिक बीमारी जो नज़र आ रही है कि जानलेवा भी हो, तो यकीनन ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंड वीड लाइक टू पे देम अ ट्रिब्यूट। अच्छा जी, क्योंकि ट्रिब्यूट खाली पेट नहीं हम कर रहे बिल्कुल भी, और उसमें यकीनन हमारे किचन में जो ज़बरदस्त चीज़ें बनती रही हैं, सलमा जी हमारे साथ थी। सलमा जी, सारा सामान आपने तो डिशेज संभाल भी दी, इसीलिए इस बात पर कि उसने पका के खिला के सफाई भी कर दी, देखिए काउंटर चमचमा रहा है हमारा, चमक रहा है, और ईद पे ना ज़्यादा सवाब उसी शख्स को मिलता है जो बर्तन धोता है। बिल्कुल, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, उसमें घर में अगर कोई काम कर रहा है कोई मेड, अब उसकी भी छुट्टी है, और ये तो मेरी सास का सिखाया हुआ, घर में नौकर होते हुए भी बहुएं सारी काम नहीं कर रही। मेरे जैसे बहाने बाज़ तो फौरन कहते थे, देखिए जी मैं साल में एक दफ़ा मेहंदी लगाती हूँ और मेहंदी का रंग खराब हो जाएगा इसलिए मैं बर्तन बिल्कुल नहीं धो सकती। मैं तो वो भी नहीं कहती क्योंकि मैं मेहंदी नहीं लगाती। वेरी गुड, तो बस मेरे घर भी चले ना इसके बाद, वहाँ भी बहुत सारे बर्तन जमा हुए हैं। सलमा जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज वंडरफुल रेसिपीज, और हमारे मेहमानों को आप लोगों को नहीं चखाया, लेकिन हम जब क्लोजिंग करेंगे और उसके बाद हमारी तो बैठक होगी, क्योंकि देखिए आज रोज़ा भी नहीं है, अच्छी सी चाय भी होगी, कॉफ़ी भी होगी, और इन्होंने जो बनाया है वो भी हम खाएंगे। अच्छा भाभी, जिस तरह शीर की बात हो रही थी, वैसे टिपिकली आप लोग क्या बनाते हैं, नमकीन में क्या बनता है? मैंने कहा आइडियाज़ ले लिए जाए। नमकीन में तो वही पुलाव पसंद है इनको, मटन का एक पुलाव होता है वो रायते के साथ, वो जीरे वाला रायता होता है उसके साथ पुलाव होता है, और समोसे होते हैं क्योंकि इनके यहाँ का ये मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनके यहाँ का ये है कि ट्रेंड के वो कम समोसे ज़रूरी होने चाहिए ना। हाँ, शामी कबाब, समोसे। ये आपकी ईद ट्रॉली बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, और अगर कोविड ना होता और ये एहतियाती एसओपीज ना होती तो हम ज़रूर आते और समोसे भी चखते, लेकिन इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत, और दुआगो हम यही हैं कि ये कोविड का चैलेंज हमारे सामने से जाए, तो इंशाल्लाह ताला ये रौनकें दोबारा बहाल हों। आखिर में फारूक भाई, कोई मैसेज कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहें ईद के मौके पर? मैं तो कोविड के चैलेंज पर भी यही कहूँगा कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा इंशाल्लाह, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कोविड का सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। बेशक, थैंक यू सो मच फारूक भाई, अच्छा भाभी हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और ईद की एक दफ़ा फिर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ जी हमारा प्रोग्राम आज का यानी डे वन का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है, लेकिन आपका हमारा साथ दो दिन होगा, उसके बाद हम छुट्टी मना लें तो अलग बात है, लेकिन ऑफकोर्स आपके साथ सोशल मीडिया पर हम रबते में रहेंगे। हमारी जो खसूसी बिहाइंड द सीन सेल्फीज़ हैं वो बिल्कुल चेकआउट आप कीजिएगा, वो आपको आज एंटरटेनमेंट पर भी और आज न्यूज़ पर भी मिलेंगी, और हैश टैग उसमें ऑफकोर्स आज पाकिस्तान विद सिद्रा इकबाल होगा, और ईद स्पेशल भी आप उसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो सवालात मैं आपसे थ्रू आउट करती रही हूँ फ्रॉम द ओपनिंग टिल द एंड, आपने क्या बनाया इस ईद पे, और हमारी रमज़ान रेसिपीज़ में से अगर कुछ बनाया हो तो उसमें हमें ज़रूर टैग करें, एंड ऑफ कोर्स एट द हैश टैग आज पाकिस्तान विद सिद्रा इकबाल। इसी के साथ जी हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, हम तो यही होते हैं भाई, कंसिस्टेंसी का भी कोई उसके मार्क्स होने चाहिए, और परफेक्शन को इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। बट दैट इज़ इट फ्रॉम अस, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।